हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग व्हाट्सअप एम आई ऑडिबल एंड विजिबल गुड इवनिंग एवरीवन कैसे हैं आप सभी जल्दी जल्दी से आ जाओ यार एक बारी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन तो आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट पड़ा से आ जाओ क्लास को लाइक और शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स सो वी कैन स्टार्ट विद आर हाफ ईयरली मैराथन जिसे बोल बोल के तुमने दम कर दिया मैम प्लीज हाफ ईयरली मैराथन हाफ ईयरली मैराथन सो so हियर इट इज पड़ा से एक बार आ जाओ गुड इवनिंग गुड इवनिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम कंप्लीटली ऑडिबल एंड विजिबल ऑल राइट बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो तो फटाफट से यार एक बार ही आ जाओ सॉरी कि हमारी क्लास आ, तीन चार मिनट लेट हो गई तीन चार तो नहीं आई यस अभी दो मिनट ही लेट हुई है तो मेरी मम्मा आए हुए थे तो उनको वो वापस जा रहे तो मैं बाय बाय कर रही थी तो इस वजह से लेट हो गया चलो ठीक है ठीक है ठीक है सो गाइज फटाफट से क्लास को लाइक like और शेयर कर दो बिकॉज आज है हमारी हाफ ईयरली स्पेशल मैराथन वैसे तो आपने देखा होगा कि पिछले काफी दिनों से मैं आप बच्चों के लिए क्लास इलेवेंथ की क्लासेस ऑलरेडी ला रही हूं है ना आप लोगों ने देखा होगा अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने एक वीडियो डाला था चैनल पे ये वाला कितने बच्चों ने देखा है ये वाला क्लास इलेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला वीडियो कितने बच्चों ने देखा है एक बारी मुझे फटाफट फड़ से कमेंट सेक्शन में ऐसे हैंड रेस कर दो जल्दी जल्दी कर दिए मैंने तो ये वाला एक वीडियो था जिसमें मैंने सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये वाला वीडियो देखा है बस मैं ये जानना चाह रही हूं हां जी सुंदर लग रही यार इसमें <laughs> थैंक यू थैंक यू हमने देखा है हमने देखा है हमने देखा है मैंने आज ही देखा है चलो जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इट सो गाइज देखो आज की क्लास में करने के वाले में फटाफट से बता देती हूँ मैं आप लोगों का पूरा दिन नहीं लेने वाली हूँ ठीक है जितना कम समय में हो पाएगा मैं उतने कम समय में ट्राई करने वाली हूं कि मैं आप लोगों को सारी चीजें कंप्लीट करा दूं ठीक है करने क्या वाले हैं कैसे करने वाले हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बट उससे पहले मुझे आप लोगों की साइड से प्रॉमिस चाहिए कि आप लोग क्लास के एंड तक मेरे साथ रुकने वाले हो के नहीं जल्दी जल्दी देखो आज कोई नॉर्मल क्लास नहीं है इसलिए मुझे बिल्कुल भी बेटा जी टाइम वेस्ट नहीं करना है 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 ना आज हमारी मैराथन और मैराथन मतलब होता है कि एक बार बच्चों को सारी चीजों का क्विक रिवीजन दे देना ताकि उनके दिमाग में जो चीजें है ना वो बैठी ना और वो पेपर में आराम से अपनी इंग्लिश को जो वो मैसेज समझते हैं ना कि ये ये भी है वो भी है उनके दिमाग से वो डर निकालना है ना तो क्लास टेंथ में भी तुम लोगों ने काफी मैरेथ मेरे साथ अटेंड करी है यू so नो हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं ठीक है तो बस मुझे सिर्फ आपकी साइड से ये चाहिए क्लास को मैं कैंसिल कर देती हूं। आ रहा था मेरे दिल में ये? क्लास टेंथ की सुबह क्लास ली थी मैंने जो कि तीन घंटे चल गई और मैं इतनी ज्यादा टायर्ड फील कर रही थी क्योंकि उनकी क्लास से पहले भी मैं एक डेढ़ घंटे से उनकी पीपीटी बना रही थी फिर तुम्हारी पीपीटी बनाई एक डेढ़ घंटा लग गया तो इट वॉज लाइक कि पांच छह घंटे संडे को भी मैंने ऑलरेडी काम कर लिया था आई वॉज वेरी मच एग्जॉस्टेड बट फिर मैंने फाइनली खुद को पुश किया कि नहीं यार बच्चों को प्रॉमिस किया है तो आज तो क्लास कैंसिल किसी कीमत पे नहीं हो सकती आज तो तान्या करवाना ही पड़ेगा चाहे जितने भी थके हुए हो तो इसलिए मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ बस मुझे आपकी साइड से इतना प्रॉमिस चाहिए कि हम लोग क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास में एंड तक बने रहे ठीक है चलो सो लेट्स स्टार्ट विद अमेजिंग क्लास तो बच्चों पार्टी हम लोग ऑब्वियसली चैप्टर नंबर वन से शुरू करने वाले हैं करेंगे कैसे मैं आपको बता देती हूँ क्या मैम राइटिंग सेक्शन इसमें इन्वॉल्व रहेगा ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन था मुझसे कल से पूछ रहे हैं क्या मैम आप राइटिंग सेक्शन इसमें दोबारा से कराओगे देखो वैसे तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें पता है एक वीडियो डाल दी है कि भाई सारे राइटिंग सेक्शन उसमें राइट right, मैंने नोट मेकिंग की भी अभी मतलब ये सिर्फ मैं तुम्हें पिछले हफ्ते की बात बता रही हूं ऐसा नहीं है कि मैंने सालों पहले एक वीडियो डाला था है ना क्योंकि चैनल शुरू किए हुए ही बेटा हमें एक महीना हुआ है एक डेढ़ महीना तो मैंने पिछले हफ्ते ही वीडियो डाला था बट फिर भी मैं इस सेशन में राइटिंग सेक्शन आपको कराने वाली हूं ठीक है मैं आपको इस सेशन में नोट मेकिंग भी कराऊंगी इस सेशन में आपके सारे जितने भी आपके राइटिंग सेक्शन के टॉपिक्स हैं चाहे वो पोस्टर हो एडवर्टीजमेंट हो स्पीच हो डिबेट हो सारी चीजें मैं आपको कराने वाली हूं ठीक है आपके सारे चैप्टर्स का मैं आपको रिविजन कराने वाली हूँ सारी राइटिंग स्किल्स कराने वाली हूँ रीऑर्डरिंग और टेंसिस की मैंने अभी अभी परसों ही क्लास ली है तो इसलिए आज मैं जो गैप फिलिंग पे क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी मैं आपको कराने वाली हूँ तो ओवरऑल मोस्टली आपका रिविजन हो जाएगा आपको डरने वाली कोई बात नहीं है ठीक है बस हाँ एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्योंकि वो मैंने अभी डाली है तो इस इस पूरी मैराथन में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी रीजन बीइंग कि उसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाली है तो वही सेम चीज रिपीट कर कर मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों का कल एग्जाम है राइट एंड आई होप कि दिस मेक सेंस क्योंकि मैंने एक पूरी एक घंटे बीस मिनट की वीडियो डाली है अगर आप उसे स्पीड बढ़ाकर भी देखोगे ना और टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ है तो क्वेश्चन आंसर्स एट दी एंड आपको याद ही करने हैं बाकी सारी चीजें मैं आपको आज कराने वाली हूं नाउ लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट अब मुझे फटाफट फड़ से बता दो आर वी गाइज रेडी फॉर दिस अमेजिंग मैरेथन एक बारी बस मुझे यस मैम देखना है ऐसे लाइन से और फिर मैं शुरू कर रही हूं जल्दी जल्दी अब ये मत पूछना मैम पहले आप हॉर्नबिल कराओगे कि स्नैपशॉट कराओगे क्योंकि मैं दोनों मिक्स करके लाई हूं एक हॉर्नबिल का चैप्टर करेंगे एक स्नैपशॉट का फिर एक हॉर्नबिल फिर एक स्नैपशॉट ठीक है ताकि सारे चैप्टर्स हो जाए ऐसा ना लगे कि पहले तो भाई पूरा फोकस हॉर्नबिल पे ही है या पहले पूरा फोकस स्नैपशॉट पे है ठीक है चलिए ऑल राइट right. लेकर भगवान का नाम वी ऑल कैन डू इट क्लास टेंथ की तरह लिख दो कॉमेंट सेक्शन में वी कैन डू इट

राइट रिंकल्ड फेस होता है उनका झुर्रिया होती हैं चेहरे पे तो बिल्कुल जो खुशवंत सिंह हैं जो हमारे ऑथर हैं उनकी ग्रैंड मदर भी बिल्कुल ऐसे ही हैं अब क्या बोल रहे हैं ऑथर ने ना उन्हें हमेशा ऐसे देखा है जैसे आप लोगों की ग्रैंड माँ को आप लोगों ने कैसे देखा है हमेशा बुजुर्ग ही देखा है येस और नो देखा है कि नहीं देखा हमेशा हमने ओल्ड ही देखा है ना उन्हे? उन्हें उन्हें बुजुर्ग ही देखा है ना राइट right? तो हमने कभी उन्हें अपने चाइल्डहुड फेस में या कभी उन्हें अपनी जवानी वाले फेस में नहीं देखा कि अगर मुझे आकर कोई बोले अरे तेरी ग्रांड मा तो अब जैसे मान लो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी ठीक है तो अगर अब मेरे पोतों को कोई जाकर बोले कि अरे तुझे पता है तान्या तो ना मतलब जीन्स भी पहना करती थी तो मेरा पोता बोलेगा है दादी सच में मतलब उसके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा राइट तो बिल्कुल वही सीन सिंह के लिए भी है वो बोल रहे हैं कि भाई मैंने मेरी ग्रैंड को ना हमेशा ऐसे ही देखा है पास ट्वेंटी ईयर्स से वो हमेशा इतनी ओल्ड दिखती हैं दैट ही कुड नॉट इमेजिन हर बीइंग यंग एंड प्रिटी कि मैं उन्हें इमेजिन ही नहीं कर सकता कि भाई वो एक टाइम पर यंग भी दिखती होगी या फिर वो एक टाइम पर प्रिटी भी दिखती होगी Slightly bent. Slightly bent मतलब हल्का ऐसे झुक कर रहने वाली ठीक है तो इस टाइप की उनकी ग्रैंडमा दिखती, दिखती है जैसे कि कॉमनली सबकी दिखती है दिन इज ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट मतलब फोटो उनके ग्रैंड इज नो नो लाइफ राइट right? तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने क्या बोला है? कि उन्होंने अपने ग्रांड फादर की पोर्ट्रेट देखी है अब बहुत बार जो स्कूल वाले होते हैं वो उनसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उसके ग्रैंड फादर को एक्सप्लेन करो कि वो कैसे दिखते हैं

ऑल राइट right. अब आगे क्या हुआ बच्चों यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है अच्छा मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में मैं आपको खाली समरी नहीं देने वाली हूँ ठीक है कहीं आपको लगे मैम तो केवल समरी करा रही है ठीक समरी नहीं है ये ये डिटेल्ड manner में चैप्टर में क्या हुआ मैं वो बता रही हूँ वरना समरी तो पांच पांच मिनट में खत्म हो जाती है तुम्हें पता है मेरी स्पीड का है ना तो मैं तुम्हें डिटेल्ड मैनर में क्योंकि लाइन बाय लाइन मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ चैनल पर अवेलेबल हैं लेक्चर्स तो इस मैराथन में मैं तुम्हें डिटेल में बताने वाली हूँ एक एक चीज़ ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे ऑल राइट right, तो यहाँ पर इनिशियल डेज मतलब स्टार्टिंग के डेज में क्या हुआ जो ऑथर उसकी ग्रैंड मदर है उनका एक अच्छा रिलेशनशिप था यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा जी एग्जाम में आते हैं उनका एक अच्छा रिलेशनशिप था उसकी ग्रैंड मा उसे हमेशा जगाया करती उसे स्कूल के लिए तैयार कराया करती उसकी चीजें पैक करा करती है ना जो भी उसे पूरे दिन में रिक्वायरमेंट है और उसे स्कूल भी छोड़ने जाया करती तो ऑब्वियसली जब आप अपना पूरा दिन जब आप अपना पूरा दिन किसी एक ही पर्सन के साथ बिताओगे बच्चों तो जाहिर सी बात है कि आपको उससे अटैचमेंट होगा राइट right और मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया अब प्लीज आप स्पैम so, हमेशा यूज जाया करती जो कि उसके स्कूल से ही अटैच होता तो वो ऑथर को क्या करती स्कूल छोड़ देती और फिर अपना टेम्पल में बैठ के अपनी पूजा पाठ करने लगती और वेट करती ऑथर की छुट्टी कब होगी शी है दी ऑथर अलोंग विद अदर चिल्ड्रेन सैट ऑन दरानदा सिंगिंग एल्फोब्स एंड मॉर्निंग प्रेयर और ऑथर क्या सीखता अपने गाँव के स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर्स और अल्फाबेट्स वगैरह वो सीखा करता तो यही उनका रोज का रूटीन होता और इससे बेटा उनकी फ्रेंडशिप उनका बॉन्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया

फिर हम तेरी ग्रांड तेरे को बुला लेंगे तो इस सबके बीच में जो इसके पेरेंट्स वो एंड कॉल took a turn. तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपकी वीडियो में इंक्लूड कर रखे हैं ठीक है अभी मैं आपको कॉमेंट भी दिखाऊंगी बहुत सारे बच्चों का उनमें से मैं एक ही कल आई हूं कि उसके आ, हाफ ईयरली में मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए थे जो मैंने वीडियो में डाले हैं ठीक है तो आप लोग देख सकते हो वॉइस क्या हो गया वॉइस नहीं आ रही यार वॉइस तो आनी चाहिए अबाउट स्पीच। यार, अभी हम सब करेंगे मैंने बोला ना मैं दोबारा से अभी कराऊंगी आपको स्पीच एडवर्टीजमेंट वगैरह बस थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा क्योंकि आपको भी पता है कि मैम एक ही इंसान है और मैम हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि जू बोल कर सारा एक ही घंटे में करा दे है ना तो एक, एक करके मैं सारी चीजें कराऊंगी थोड़ा सा आपको पेशेंटली सुनना पड़ेगा ओके ऑल राइट right.

क्योंकि यहाँ पर उसकी स्कूल बस उसको लेने आ रही है एंड देयर वर नो लॉन्गर स्ट्रे डॉग्स और अब यहाँ पर डॉग्स भी नहीं है जिनको वो रोटी डाल पाए ऐसे काफी दिनों तक होता रहा कि वो जब भी स्कूल से आता तो ग्रैंड मार्स के दिन के बारे में जरूर पूछती कि भाई तेरा दिन कैसा गया है ना या तूने क्या करा क्या नहीं करा क्या तूने पढ़ा शी डेंट अंडरस्टैंड एनीथिंग तो वो जो भी बोलता उसे समझ नहीं आता क्योंकि सारी चीजें उसको इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती थी जो कि ग्रैंड मार्क्स की समझ से परे थी She didn't approve of the new syllabus that he was studying. अब को बिल्कुल पसंद नहीं था जो भी इसको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ठीक है बिकॉज ना तो इसे भगवान के बारे में पढ़ाया जा रहा है इसे सिर्फ साइंस इंग्लिश ये सारी चीजों के बारे में पढ़ाया जा रहा है जिससे ग्रैंड बहुत ज्यादा ऑफेंड रहती थी

अब उसके पास उसका खुद का कमरा था एंड ये उनका रिलेशनशिप और ज्यादा दूर होने का एक रास्ता था क्योंकि जब तक वो सेम रूम में थे तब भी थोड़ी बहुत बात हो जाती थी बट जैसे ही उनके रूम अलग हुए तो बेटा बात उनकी बिल्कुल बंद हो गई उन्होंने जो ग्रैंड थी सबसे बात करना बंद कर दिया और अपना पूरा दिन वो सिर्फ स्पिनिंग व्हील के पास बैठकर ही बिताया करती या फिर वो जितनी भी स्पेरोज है उनको ब्रेड वगैरह डाल दिया करती

ऑथर डिसाइडेड अब बच्चों ऑथर को अपनी आगे की पढ़ाई करनी है राइट जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे अपनी ट्वेल्थ कंप्लीट करके सोचोगे कि यार हमें बाहर देश जाना है बाहर की कंट्री में जाना है राइट और हमें वहां की प्रेपरेशन करनी है तो भाई ऑथर ने भी सोचा मुझे अब्रॉड जाना है आगे की स्टडीज के लिए तो जो ग्रांड माँ है वो उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई उसे सी ऑफ करने आई वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी यानी ऑब्वियसली जाएगा हम तो भय करके एयरपोर्ट पे देखते हैं लोग रोते हैं यार जेनवेन है राइट बट यहाँ पे ग्रांड माँ बिल्कुल सेंटिमेंटल ही नहीं है बिल्कुल गई है हमारी और वोअसली अपना प्रेयर्स बोले जा रही है, बोले जा रही है। पेपर में भाई, क्या लगा था ऑथर को क्या होगा तो ऑथर को लगा कि यार मैं पांच साल के लिए जा रहा हूँ पता नहीं वापस आऊंगा मेरी ग्रैंड मार रहेगी नहीं रहेगी तो ये जो उन्होंने किस किया है मुझे दिस इज माई लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद

और उन्होंने क्या करा? सारी नेबरहुड की वुमेन को इकट्ठा किया ड्रम लिया और गाने गाने शुरू कर दिए कौन से गाने क्या कोई बताना चाहेगा मुझे इन द कॉमेंट सेक्शन जी, कौन से गाने गाना ग्रैंड ने शुरू कर दिए क्या कोई मुझे बताना चाहेगा नो वन मैम आपका नाम क्या है बेटा मेरा नाम तान्या शर्मा है हाँ जी किसी को नहीं बताना यस रिटर्निंग ऑफ वॉरियर्स होम कमिंग वॉरियर्स राइट हाँ योद्धा के गाने इन्होंने गाने शुरू कर दिए

ठीक है, she died and वही पढ़ते-पढ़ते ही बच्चों, वो अपना चली गई थी. And उनकी जो बॉडी है वो वो बिल्कुल लाइफलेस पे पड़ी हुई थी. तो जब पूरा, you know, कर रहे थे, सारी परंपराएं कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके बरामदा में सारी की सारी स्पेरोज आके बैठी है और बिल्कुल चुप है कोई भी आवाज नहीं आ रही है कोई भी चिटरिंग की आवाज नहीं देखोगी कि आप वहां से आ रही है राइट

Guys, I need some sort of feedback. Come on. अगर इतनी धीरे कमेंट करोगे तो मेरे जोश की तो वॉट लग जाएगी हाँ केवल निधि अगर कमेंट करेगी और प्रतिभा तो फिर बाकी बच्चे क्या करेंगे ठीक है येस yes, अभी राइटिंग सेक्शन करेंगे हम थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना पड़ेगा सारे राइटिंग सेक्शन हम करेंगे एक एक चीज़ हम करेंगे कि भाई किस चीज़ से पेपर में नंबर कट सकते हैं कौन सी चीज़ से आपको नंबर मिल सकते हैं थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ठीक है क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको इसलिए इस क्लास में नहीं करा रही हूँ अगर आप बोलोगे मैं अभी भी आपको क्वेश्चन आंसर्स करा सकती हूँ मेरे पास पीपीटी रेडी पड़ी है क्वेश्चन आंसर्स मैं इसलिए नहीं करा रही क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स की एक वीडियो में डाल चुकी हूँ ठीक है तो वो वीडियो बनी बनाई है आपको बस उसकी स्पीड बढ़ाकर उसे देखना है इट विल सेव योर टाइम ठीक है चलो लेट्स मूव टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ आर सेकेंड बुक ठीक है जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स द द समर ऑफ हॉर्स बेटा विलियम ने लिखी है और ये जो स्टोरी है ना ये दो अर्मेनिया के लड़कों के बारे में है ठीक है एक का नाम है बेटा आरम और एक का नाम है मुराद दोनों ही लड़के गर्गोलियन ट्राइब से फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका जो ट्राइब है ना ये बहुत ज्यादा फेमस है बेटा अपनी ऑनेस्टी के लिए माना जाता है कि इनके जो ट्राइब के लोग हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे कभी भी किसी को धोखा नहीं देंगे कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे ठीक है यस अब यहां पर देखो एरम एंड मुराद वर टू टू पुअर बॉयज हु बिलोंग द वॉयसनियन गर्गोलियन फैमिली नोन फॉर देयर ऑनेस्टी सिंस द इलेवेंथ सेंचुरी सो बेटा इलेवेंथ सेंचुरी से जो इनका ट्राइब है ना गर्गोलियन ट्राइब नाम याद रखना वो अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ज्यादा जाना माना जाता है तो हमारे पास दो लड़के हैं एक है आरम एक है मोराद ठीक है ये दोनों ही लड़के इसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं एंड ये कहाँ का ट्राइब है अरमेनिया का ट्राइब है तो एक अर्ली मॉर्निंग क्या होता है जब आरम सो रहा होता है अपने घर पे ये दोनों कजिन होते हैं ठीक है कजिन ब्रदर होते हैं तो आरम अपने घर पे आराम से सो रहा होता है एंड अपने ही सपनों में खोया होता है तभी वो देखता है कि उसकी विंडो पे ना कोई दस्तक दे रहा है वो देखता है तो उसका कजिन मुराद होता है शोड अप टू हिज विंडो विद अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स और उसके पास ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा एकदम शामिंग सा व्हाइट हॉर्स होता है बहुत ही खूबसूरत व्हाइट हॉर्स आरम कुड नॉट बिलीव इट भाई आरम को यकीन नहीं होता कि अभी आरम तो गरीब है ना अब हम गरीब हैं तो ये अगर ये ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स लेकर आए ये कहां से लेकर आया है ठीक है एंड ही वॉज थिंकिंग इट वॉज अ ड्रीमर उसे लगता है अभी यार ये तो ना मैं सपना देख रहा हूँ सपना देख रहा हूँ

उट इफ द हॉर्स एड बिन बाई हिस्स कजिन अब वो क्या कर रहा था वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि ये जो मुराद है ना ये शायद ना ये जो घोड़ा इसको चोरी करके लगा ये हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम खरीद पाए तो उसके दिमाग में चल रहा है कि शायद ये चोरी करके लाए बट क्योंकि दोनों ही लड़के एकदम दीवाने हैं हॉर्स को लेकर सो उसने अभी फिलहाल के लिए उसे कुछ बोला नहीं सो मुराद हैड कम टू इनवाइट हिम फॉर अ राइड अलोंग तो मुराद क्यों आया होता है उसको अपना हॉर्स दिखाने आया होता है होता है कि देख भाई मेरे पास हॉर्स है और आजा दोनों भाई इस पर राइड करेंगे ही आस्क्ड हिम टू मेक इट क्विक और वो बोलता है भाई जल्दी आ जाओ इससे पहले कि सब लोग उठ जाए फटाफट से अपने कपड़े पहनता है और विंडो से बाहर जंप करता है और मुराद के पीछे पे जाता है। lived, और उसके थोड़ी देर बाद मुराद क्या बोलता है आरम को भाई अब तू नीचे उतर जा मुझे अकेले को घूमना है इस पे ठीक है कि अब हमने साथ तो घूम लिया अब बारी है भाई अकेले अकेले करने की ठीक है बेटा प्यारे पॉपी ये कैसा नाम है बट ठीक है देखो यार को ना बीच बीच में डिस्टर्ब करो मैंने बोल दिया बेटा कि मैं कराऊंगी मतलब कराऊंगी है वो भी बता देती हूँ नोट मेकिंग कराऊंगी एडवर्टीजमेंट कराऊंगी स्पीच कराऊंगी डिबेट कराऊंगी और एक और पोस्टर मेकिंग कराऊंगी ठीक है ये पांच टॉपिक मैं कराऊंगी ठीक है अभी प्लीज बार जो करा रही हूँ उस पर फोकस करो ये पढ़ लो ठीक है हाँ चलो तो जो मैं करा रही हूँ तो चीज, क्लास हमारी बहुत अच्छी जाएगी अगर जो मैं नहीं करा रही हूँ फिर तुम उस पर फोकस करोगे तो फिर बार बार ही डिस्टर्बेंस होगा फिर तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा कल काफी बच्चों का पेपर भी है थोड़ा सा बेटा पेशेंस रखो क्लास को आगे बढ़ने दो मैं सारी चीजें कराकर ही भेजूंगी ठीक है थोड़ा सा पेशेंस रखो थोड़ा सा ऑल राइट सो आफ्टर सम टाइम मुराद क्या बोलता है बोलता है भाई तू उतर जा, मेरे को अकेले को घूमना है

ये जो हॉर्स है वो ऑब्वियसली इसका नहीं है, इस चांस हाँ ठीक है मैं अकेला क्या करूंगा मैं अकेला इस पे चढ़ूंगा और अकेला मैं घूम कर आऊंगा अब क्या हुआ वो हॉर्स को लेकर जाता है अपने साथ और भाई बीच में ही ना हॉर्स उसको गिरा देता है और हॉर्स खुद भाग जाता है ठीक है तो बहुत ही फनी तरीके से ये चीज आपके यू नो

तो मुराद हैड अ वे विद एवरीथिंग अब बेटा इसका क्या मतलब है हैड अ वे विद एवरीथिंग का कि उसे ना सारी सिचुएशंस को टैकल करना आता है ठीक है कि इससे कैसे बात करनी है या अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूं तो कैसे टैकल करना है जानवरों के साथ कैसा बिहेव करना है सो so, इसलिए लिखा है कि उसे सारी चीजें आती हैं स्पेशली हॉर्सेस ही न्यू हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ एनिमल एंड ऑल्सो ह्यूमंस अब आगे क्या हुआ हर मॉर्निंग दो हफ्तों तक दोनों भाई क्या करते हॉर्स को लेकर जाते राइड पे और दोबारा से उसे छुपा दिया करते तो यही इनका कार्यक्रम चलता रहा पूरा दो हफ्तों तक मस्त दोनों भाई क्या कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं अब क्या हुआ बच्चों अब देखो यहां पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आ रहा है सो वन डे जॉन बैरो केम टू बैरोम्स हाउस टू टॉक टू हिज अंकल खुजरो भाई ये एक नंबर का कैरेक्टर है ये बोलता है चाहे कुछ हो जाए पे नो अटेंशन टू इट ठीक है कभी कभी लगता है कि लाइफ में बी लाइक अंकल खुजरो है, है, तो बोलते हैं क्योंकि ये आदमी हर बात में केवल एक ही जवाब देता है इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट ठीक इसका एक ही जवाब इसका का लाम ही है इसका तकिया कलाम है ये कोई बोले कोई बोले तू फेल हो गया अरे नो टेंशन पे नो अटेंशन टू इट इट्स नो हार्म ठीक है तो क्या होता है कि जॉन बायरो बेचारा घर आता है अब ना एक्चुअल में वो हॉर्स ना इसी का होता है जॉन बायरो का और ये इतना ज्यादा दुखी होता है ये बेचारा अपना दुख बांटने आया होता है अंकल खुजरो उसको बोलता है चुप पे नो तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे

So खुजरो चिल्लाकर क्या बोलता है कि इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट तो जॉन बायरो ना बहुत इरिटेट हो जाता है कि भाई ये कैसा आदमी है यार एक तो मैं अपना दुख बता रहा हूँ और ये आदमी क्या बोल रहा है कि इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट एंड वो इरिटेट होकर चला जाता है बोलता है भाई तू माफ कर अब क्या होता है बेटा एरम जो है वो मुराद के पास जाता है और उसको बताता है कि तुम्हें पता है जॉन बैरो मेरे घर आया था और जो तुमने घोड़ा चुराया ना वो एक्चुअल में उसी का है और उसे क्या बोलता है कि भाई देख अभी तक ना हमने सीखा नहीं है कि कैसे राइड करना है तो तू घोड़े को बिल्कुल भी वापिस मत करियो So, मुराद उसको बोलता है कि भाई ऐसे तो हमें एक साल लग जाएगा टू लर्न टू राइड द हॉर्स एंड फिर वो गुस्से में ये भी बोलता है कि भाई हम लोग चोर नहीं हो सकते है ना क्योंकि हमारी ट्राइब को ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है है एंड दे वुड रिटर्न द हॉर्स आफ्टर मंथ्स बोलता नहीं 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 साल तक नहीं रख सकते हम चोर थोड़ी हम छह महीने तक रख लेंगे अब आगे क्या हुआ वन डे ऑन देअर वे बैक टू हाइड द हॉर्स अब एक दिन क्या होता है वो लोग हॉर्स को छुपाने लेकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में ना बेटा उसको कौन मिल जाता है जॉन बायरो मिल जाता है जो कि वापस टाउन की तरफ जा रहा होता है अब दो लड़के और जॉन बायरो घोड़े को यूं देखे भाई ये तो मेरे जैसा ही लग रहा है ना मेरे घोड़े जैसा ही लग रहा है

तो मुराद मैनेज टू लेट बायरो दैट इट वाज़ नॉट हिज सो दे वेंट अवे सो क्योंकि मुराद एज अ वे विद एवरीथिंग वो हर चीज से डील कर लेता है तो उसने जॉन बायरो से भी बात कर ली

वो वो बहुत बहुत जानी, बहुत खुश था था. था भी बोलता पहले तो तो मेरा घोड़ा ना ना गुस्से में रहता अब वो लौट के आया तो है क्योंकि बच्चों, मुराद ने उसे प्रॉपरली ट्रेन किया था एंड इट वॉज स्ट्रॉगर देन एवर और मेरा हॉर्स मुझे स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है अंकल खुजरो वहीं बैठा होता है और इतने में बेटा अंकल दोबारा से क्या बोल देता है Quit, man, पे नो अटेंशन टू इट तो अंकल खुजराव बच्चों दोबारा से उसको डांट देता है और इस चैप्टर के बीच में एक और इंसिडेंट है अंकल खुजराव का एक बार ये ना बाबर की शॉप पे बैठे होते हैं तो इनका बेटा इनके पास भागते हुए है। है, पापा, पापा। तो तो, मतलब आ, उसका जो बेटा होता है वो बोलता है पापा हमारे घर पे आग लग गई तो वो बोलता है हाँ इट्स नो हार्म तो भाई बार बार भी शौक कुछ होता है बोलता है यार आपके घर पे आग लग गई तो चिल्लाने लगते हैं उस पर भी की इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट ठीक है तो इसलिए इसको क्रेजी बोला गया ऑल राइट चलिए जी वेरी नाइस गाइज सो नेक्स्ट चैप्टर इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर ऑब्वियसली अब आपकी फर्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर पे हम लोग चलेंगे ठीक है थैंक यू करण थैंक यू सो मच थैंक यू बेटा थैंक यू शिवांगी थैंक यू एवरी वन चलो आगे बढ़े आई आई होप दो चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गए तुरंत हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई पे अब बच्चों ये चैप्टर में बहुत लोग अटक जाते हैं ठीक है बट ये चैप्टर मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझा रखा है ऑलरेडी अगर आपका अभी एग्जाम दूर है ठीक है अगर अभी आपके एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है तो आप लोग लाइन बाय लाइन जरूर से पढ़ लेना चैप्टर को बट यहाँ पे भी मैंने मेक श्योर sure किया है कि मैं आपको खाली समरी नहीं बट डिटेल में एक एक इंसिडेंट बताऊंगी ठीक है चलो सो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई पे चले बच्चे पार्टी अच्छा यार समझ में आ रहा है एक बार मुझे ये बता दो दो चैप्टर हमने कर लिए हैं एम आई क्लियर थोड़ा सा मुझे एक जोश देख सकता है तुम बच्चों का क्योंकि तुम्हारा जोश देखकर में भी आ जाएगा मतलब तुम्हें तो पता ही है कि ऐसा होता है है ना एनर्जी ट्रैवल करती है बाकी ये है कि चलो बाद में बताऊंगी बाकी क्या है। अभी शुरू करते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई

ठीक है अब क्या हुआ देखो भाई तो ये जो हमारा बिजनेसमैन होता है इसकी एक वाइफ होती है जिसका नाम होता है मैरी ये ध्यान से सुन लेना बेटा ये और डिस्कवरिंग ट्यूट ठीक है ये दो चैप्टर्स बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं ये दो ही चैप्टर्स है जिनमें बच्चे अटकते हैं तो प्लीज इन दो चैप्टर्स को ढंग से सुन लेना ठीक है आ जाओ तो भाई इसकी एक वाइफ है जिसका नाम है मैरी इसके दो बच्चे हैं एक का नाम है जुनाथिन जो छह साल का है और एक है सुजैन जो सात साल की है अब वो और इसकी बीवी दोनों का एक सपना था क्या सपना था कि उन्हें समुद्री यात्रा करनी है ठीक है वही समुद्री यात्रा यात्रा जो कि कैप्टन जेम्स कुक ने की थी बहुत साल पहले जा रहे हो आ जाओ आ जाओ दोबारा आ जाओ आ जाओ ना ये इलेवेंथ क्लास के बच्चे है अरे आ जाओ ना मेरी मम्मी बोल रही है मैं अच्छी नहीं लग रही मैं लेकर आती हूँ अरे आ जाओ आ जाओ अरे आ जाओ कोई बात नहीं मैं अभी गंदी लग रही हूँ बच्चों मेरी मम्मी जा रही है ठीक है और आ नहीं रही थी बोल रही है उसी दिन वाला सूट पहना है वो जो जो टेंथ क्लास के बच्चों ने नहीं बुला लिया था मैराथन में और मैंने वो सूट पहना था तो वही मैंने पहना है मैं गंदी लग रही हूँ <laughs> ऐसे ऐसे बोल रही है मम्मी अरे मम्मी कुछ नहीं मैं तो इससे भी गंदा गंदा बनके पढ़ा देती हूँ कुछ नहीं होता इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ये खुद ऐसी ही बनके बैठे हैं घर पे कैसे हो वहाँ पे youtube पे लेट ज्यादा ना हावा बोल रहे देखो हेलो आंटी तुम्हारी क्लास के चक्कर में मैं बैठ भी नहीं पाई हूँ बोल रहे आंटी लुक्स ब्यूटीफुल आ ब्यूटीफुल बाबू <laughs>

ओके okay. चलो चले वापिस चलो यार मैं आज मैंने क्लास रख ली और सुबह से ऐसे कल कल आई थी मम्मी तो कल रात को भी मतलब मैं घर लेट आई थी क्योंकि एकेडमी चली गई थी और घर में लेट आई थी और कल रात को मम्मी आई फिर अभी चली गई मम्मी अब मैंने बोला था रुक जाओ बट मम्मी बोलते नहीं कल जाना है ज़रूरी है तो मैं उनके साथ बैठ ही नहीं पाई क्योंकि तुम्हारी क्लास थी फिर टेंथ वालों की क्लास थी फिर पीपीटी थी तो टाइम ही नहीं मिला इस बार तो मम्मी के साथ चलो आ जाओ यार चलो शुरू करते हैं मतलब कंटिन्यू करते हैं तो उनकी वाइफ थी मैरी उनके दो बच्चे जुनाथिन जिसकी उम्र थी छह साल सुजैन जिसकी उम्र थी सात साल वो और उनकी बीवी दोनों ने एक सपना देखा था ठीक है एक सपना देखा था और वो सपना क्या था कि उन्हें एक समुद्री यात्रा करनी है अराउंड द वर्ल्ड ऑन देयर शिप वेव वॉकर नाम याद रखना नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नेम ऑफ द शिप इज वेव वॉकर विच इज अ ट्वेंटी थ्री मीटर लॉन्ग थर्टी टन वुडन हल्ड मतलब वो वुड की बनी हुई थी ठीक है जस्ट लाइक दैट ऑफ अ फेमस कैप्टन जेम्स कुक अब पूरी की पूरी फैमिली ने बच्चों अपनी यात्रा को शुरू कहां से करा ये आपको बताना है कि शुरू करा भाई प्लायोथ इंग्लैंड से ठीक है ऑन जुलाई 1976 All right. अब ये जो initial phase था, था, यानी कि क्योंकि उन्हें पूरा world करना था, ठीक है? तो ये इतनी का जो initial phase था, उसमें उनको इतनी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई पर बेटा हालात बिगड़ने शुरू हुए केप टाउन के बाद अच्छा इन्होंने क्या करा था केप टाउन से निकलने से पहले इन्होंने अपने साथ दो क्रूमैन को और रख लिया था ठीक है क्योंकि इन्हें पता था कि भाई आगे का वेदर बहुत ज्यादा खराब हमें मिलेगा तो इसीलिए हम लोग अपने साथ दो क्रूमेन को रख लें, ठीक है बेटा? लेवल बिकम अ क्वेश्चन अबाउट हाउ दे फॉट इच डे एंड एक दू था पूरी की पूरी कहानी हमें यही बताती है कि कैसे उन्होंने एंड तक सर्वाइव करा। तो यहां से चैप्टर बेटा जी शुरू हो रहा है शुरू करते हैं फटाफट फड़ से अब जिसने नहीं सुना अभी फिर से ध्यान से सुन लो दोबारा से चैप्टर शुरू हो रहा है सो नरेटर और उसकी जो वाइफ है उन्होंने एक समुद्री यात्रा प्लान करी अराउंड द वर्ल्ड जस्ट लाइक द फेमस कैप्टन जेम्स कुक ठीक है कि भाई हम इसको कॉपी करेंगे जैसे इसने पूरी समुद्री यात्रा करी थी वैसे हम भी करेंगे

उन्होंने एक शिप बनाई 23 मीटर्स लॉन्ग एंड जिसका वजन कितना था 30 टन पूरी वुड की थी जिसका नाम था वेव वॉकर एंड उन्होंने उस शिप को बहुत ही रफ वेदर में टेस्ट करा यानी कि जहां-जहां पर वेदर खराब होता था वहां वहां अपनी शिप को लेकर गए और उसको टेस्ट करा अब जुलाई 1976 में क्या हुआ उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू करा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा जो प्लीज आप लोग ध्यान रखना ठीक है हां राइट right. सो so, उन्होंने क्या करा अपनी इस जर्नी को शुरू करा कहां से प्लायम इंग्लैंड से दे सेल फ्रॉम एफ्रीका टू केपटाउन विच वॉज अट्लेजेंट जर्नी ठीक है उन्होंने क्या करा अफ्रीका से केप टाउन जब तक वो केप टाउन पहुंचे उनकी जर्नी काफी ज्यादा बढ़िया काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी हसीन चल रही थी बट फिर आगे क्या हुआ इन्होंने आगे बढ़ने से पहले दो क्रूमेन अपने साथ रख लिए एक का नाम था लेरी दूसरे का नाम था हब क्यू रखे टू हेल्प देम टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सी द साधन इंडियन ओशियन बेटा इसे नाम बहुत ज्यादा खराब कह लो या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सी माना जाता है सदर्न इंडियन ओशन को तो इससे निकलने के लिए इन्होंने अपने साथ दो क्रू मैन को भी रख लिया तो केप टाउन तक तो इनकी जर्नी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी ठीक है ओके हाँ बेटा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ना इसी चैप्टर का मैंने चैनल पर डाल रखा है ना एक एक लाइन वो मैंने चैनल पर डाल रखा है अगर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपका एनसीईआरटी का तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो ठीक है वेरी गुड बेटा विकी मिश्रा ऑल राइट right. तो so, आगे क्या हुआ बेटा दे एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग द सेकेंड डे तो अब भाई केप टाउन से आगे निकले निकलते ही दूसरे दिन उन्हें बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग दिखने लगे यानी कि जो लहरें थी जो समुद्री लहरें थी वो इतनी ज्यादा विशाल इतनी ज्यादा बड़ी थी दिसंबर 25 तक उन्होंने किसी तरीके से मैनेज करा वो केप टाउन से 35 फाइव किलोमीटर ईस्ट की तरफ आगे आ चुके थे यानी कि केप टाउन से ईस्ट की तरफ कितने किलोमीटर्स थर्टी फाइव किलोमीटर्स आगे आ गए अब भाई किसी तरीके से फैमिली ने बैड वेदर को टैकल किया और साथ में क्रिसमस उन्होंने अच्छे से मनाया यानी कि 25 दिसंबर उन्होंने बेटा जी बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से मनाया मैम लाइव क्लास डिलीट डिलीट मत करना नहीं 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 करूंगी अच्छा एक और रिक्वेस्ट बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम स्टोरीज डालते हैं और मुझे फोन करके बोलते हैं मैम आप ना दोबारा से वो नहीं कर रहे हो रीशेयर मैं रीशेयर करती हूँ रीजन बिंग कुछ लोगों का नहीं कर पाती हूँ तुम लोग बिना फॉलो करे डालते हो तो वो ना मेरे मैसेज रिक्वेस्ट में चला जाता है तो मुझे दिख नहीं पाता तो इट्स लाइक मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है इंस्टाग्राम का व्हाट्सएप का क्लास इलेवंथ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है तो तीनों चीजों को आप लोग इजीली फॉलो कर सकते हो साथ ही साथ क्लास इलेवेंथ की वन शॉट की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है ठीक है चलो

अब उसने तो अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई मैं तो मरने वाला हूं है है ना अप्रोचिंग डेथ डेथ मतलब उसकी जो कि भाई अब मैं वैसे भी नहीं बच सकता हमारी शिप भी डूबने वाली है मेरा परिवार मर जाएगा मैं मरने मरने वाला हूं सब मरने वाले और उसने अपनी कॉन्शियसनेस यानी कि अपना होश खोना उसने शुरू कर दिया वेन द शिप इज अबाउट टू ओवर टर्न जैसे ही उनकी शिप गिरने वाली थी है ना ये मैंने आपको जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रही थी तब भी बताया था कि जैसे ही आपकी शिप अच्छा WhatsApp नहीं है डिस्क्रिप्शन में चलो मैं डाल दूंगी WhatsApp ना भी परसों मैंने क्लास ली थी, वाली, उसके में एक और वेव आई इसी तरफ से जिसकी वजह से उनकी शिप एकदम सीधी हो गई ठीक है अब क्योंकि वो शिप एकदम सीधी हुई और शिप से ही जो नरेटर था वो बंद रखा था तो नरेटर भी एकदम से झटके से दोबारा शिप में आ गया ही suffers injuries in ribs उसे बहुत ज्यादा obviously इंजरी हुई चोट लगी ठीक है ही grabs the guard rail and sails into the ship main boom तो वो मेन जो उसका फ्लोर था उस पे पहुंच जाता है और अपनी मैरी यानी कि अपनी वाइफ मैरी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि तुम व्हील के पास ही रहो ठीक है अब उसे रियलाइज होता है कि शिप के ना लोअर पार्ट्स में बहुत ज्यादा पानी घुस चुका है तो वो अपने को देखता है कि भाई उनके जो क्रूमैन है जो दो लोग आए थे उन्होंने पानी आता रहेगा, तो जो शिप है वो डूब जाएगी राइट सो so मेरे बच्चे सही हैं तो उसकी जो बेटी होती है वो उसको इन्फॉर्म करती है उसके ना सर पे एक्चुअली चोट लग गई होती है तो ना एकदम से बंप मतलब एकदम से ना उसका पूरा का पूरा जो सर है बेटा वो सूज गया होता है ठीक है अब क्या होता है जो कि वो इग्नोर करता है क्योंकि अभी उसके पास बहुत बड़ी है कि उसे अपनी फैमिली को खुद को बचाना है तो पानी आ रहा होता है ना शिप के अंदर तो वो ट्राई करता है कि उनपे क्या कर दे थोड़ी देर के लिए किसी तरीके से उस पानी को आने से रोके दिस मेक्स वॉटर टू डिविएट ऑन द राइट साइड अब जो उनका पंप है वो भी ब्लॉक हो जाता है क्योंकि उसमें डेबरे से यानी जो मलबा होता है यानी कि आप ये समझ लो कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है ना वो पानी के साथ शिप के अंदर आया होता है और वही उनके पंप्स को क्या करने लगता है किसी तरीके से रोकने लगता है तो ब्लॉक करने लगता है तो उनका जो इलेक्ट्रिक पंप था उनके भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है बस किसी तरीके से उसे याद आता है कि मेरे पास एक स्पेयर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप पड़ा है और वो उसको कनेक्ट करता है लकीली वो चल जाता है सो दे द वॉटर ऑल नाइट लॉन्ग पूरी रात उन्हें पंप करना पड़ा सोचो ना खाने का होश ना पानी का होश वो लोग बस क्या कर रहे हैं वॉटर को पंप करे जा रहे हैं हैं करे जा रहे लगा था। मेडे कॉल मेडे मतलब इमरजेंसी कॉल कि वो किसी तक पहुंच पाए है ना किसी को बता पाए हम यहाँ फंसे हैं वो भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही रिमोट कॉर्नर में थे है ना ऐसे कॉर्नर पे भाई जहां पे वर्ल्ड में नेटवर्क आते ही नहीं है तो कहां से ही वो किसी से कनेक्ट हो पाते अब क्या हुआ जो उसकी बेटी थी उस पे लाइक इतना ज्यादा उसका जो माथा था वो सूज गया था कि पूरी की पूरी आईज भी उसकी वजह से उसकी ब्लैक लग रही थी और उसके आम पे भी एक डीप डीप कट आ गया था अब जब उसके पापा ने पूछा उसकी चोट के बारे में उसकी इंजरीज के बारे में तो उसने क्या बोला कि पापा मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं देख पा रही थी कि आप हमें बचाने की कोशिश में लगे हुए हो अब हमारे यहाँ के बच्चे बेटा क्या करते हैं मम्मी यही करते हैं मतलब मेरे यहाँ के तो यही करते हैं राइट right, मेरे यहाँ के बच्चों का एक ही है कुछ भी लग जाए दो मिनट में रोना शुरू और जैसे तुम्हें कैडबरी दे दो उनकी सारी चोटें खत्म ये ऐसी है, बट बच्चों वहां बच्चे बहुत होशियार है ठीक है इस चैप्टर के बच्चे बहुत होशियार है तो वो क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे रहे हैं हैं पापा जब हम आपको देख रहे हैं कि आप हमारे लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हो तो हम क्या करना चाहते थे हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे अब क्या हुआ बेटा आफ्टर फिफ्टीन आवर्स पंद्रह घंटे ऐसी चलता रहा और पंद्रह घंटे कॉन्टिन्यूस पंप करने के बाद पानी शिप से बाहर निकालने के बाद सिचुएशन थोड़ी सी उनके अंडर आई में so भी काम करें मैं कर लू पहले फिर वो कर ले दो बंदों को रेस्ट मिल जाएगा ठीक है अब शिप बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी पूरी तरीके से टूट चुकी थी राइट साइड तो पूरा खराब हो चुका था शिप का अब वो इस कंडीशन में नहीं थी कि ये लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाए तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग

मिलना ना के बराबर है बट आफ्टर पंपिंग द वाटर आउट कंटीन्यूअसली फॉर 36 आवर दे took a sigh of relief ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर वाज लेफ्ट टू बी पंपड आउट अब कंटीन्यूअस छत्तीस घंटे उन्हें हो गए थे पानी बाहर निकालते हुए पंप करते हुए राइट right? अब वो क्या बोल रहा है कि भाई अब इतना पानी हम लोगों ने बाहर निकाल दिया था कि हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर पाए केवल थोड़ा ही पानी बोट में बचा था अब उन्होंने क्या करा दो दिन में पहली बार अपना मील खाया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इससे क्वेश्चन भी आ जाता है कि उन्होंने क्या खाया सो दे एट देयर फर्स्ट मील इन टू डेज कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स क्या खाया कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स उन्होंने खाए

ऑल राइट right. एक नंबर की डर पोख बच्चों में तो मुझे वहम होता रहता है कि कोई मेरे घर में ना आ जाए अकेले मुझे मैं नहीं रह सकती अकेले बट ठीक है चलो अब आगे क्या हुआ भाई तो जुनाथन ने बोला दैट ही फियर डेथ के पापा मुझे डेथ से डर नहीं लगता जब तक हम सब एक साथ है तो इसकी इस लाइन की वजह से ना हमारा जो नरेटर है उसमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ गया कि नहीं यार मुझे मेरे बच्चों के लिए तो कुछ करना ही है अब ये स्ट्रगल कॉन्टिन्यू होता रहा Tried best to the एक साथ बैठे थे हाथ पकड़ के थिंकिंग नियर हना हाथ पकड़ के क्यों बैठे थे उन्हें लग रहा था हम मरने वाले अब मरने से पहले तो दो बातें प्यार की करेंगे ना तो बिल्कुल उन्हें वही लग रहा था कि भाई नहीं अब तो हम मरी जाएंगे तो उनके बच्चों ने बच्चों ने कॉन्स्टेंटली मॉरल लेवल पे बहुत सपोर्ट किया है ना उनकी जो बच्चे थे वो उनके लिए क्या ले आए उनकी जो बेटी उनके लिए कार्ड बना के भी लाई अभी हम देखेंगे

तब भी वो इतना थॉटफुल है अपने पेरेंट्स के लिए सोच रही है ये बहुत बड़ी बात है छोटे छोटे से बच्चे तो उसने क्या करा लैरी को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई तुम जो बोर्ड का आ, जो स्टेयरिंग है ना उसे घुमा दो पूरा 185 एट्टी डिग्रीज पे एंड उन्होंने बोला अगर हम लकी हुए तो हम लोग पांच बजे तक आइलैंड पे पहुंच जाएंगे और ये बोलकर उसे नींद आ गई ही एक झपकी सी ले ली और वो एकदम से उठा हड़बड़ा के छह बजे के आसपास और उसे क्या लगा कि हम लोग नहीं पहुंच पाए और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया बट इतने में ही जो उसका बेटा था जो वो आता है और इन्फॉर्म करता है कि पापा हम लोग पहुंच गए हैं एंड आप बेस्ट डैडी हो और आप बेस्ट कैप्टन भी हो ऑल राइट गाइस अब आईलैंड वो लोग आईलैंड वो लोग पहुंच गए थे लिटिल स्ट्रगल के साथ थोड़ा बहुत है ना एंड हेल्प ऑफ इनहेबिटेंट्स जो वहां के लोग भी थे आईलैंड के एमस्टरडेम के उन्होंने भी इन्हें नीचे उतरने में मदद करी द होल टीम द फैमिली द टू क्रू नेवर स्टॉप ट्राइंग स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क फाइनली सेव्ड देम बोलते हैं ना भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं राइट right, अगर आप खुद से गिव अप कर दोगे तो भगवान बोलेगा ये तुम्हारा डिसीजन है हम ये चीज भगवान पे नहीं डाल सकते है ना अगर ये लोग शिप में एफर्ट नहीं मारते मान लो ऐसे बैठे हुए तो पानी इनके लिए रुकता थोड़ी बेटा कल ही ये मैम क्लास कितने बजे होती है बेटा भावना क्लास आठ बजे होती है और मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ बेटा मैं एक्चुअली मेरा पढ़ाने पर पूरा फोकस है तो मैं किसी भी बच्चे को क्यों इग्नोर करूंगी यार ऐसी बातें मत किया करो कौन है ये तुम्हारा का शिक्षक मेरे से मिलवाओ हर बच्चा एक ही बात करता है भाई कि कौन सिखाता है ये वर्ड तुमको ठीक है अब सोचो अगर ये खाली बोट में बैठे रह जाते तो ये डूब जाते फिर ऊपर जाके भगवान से पूछते भगवान तूने हमें बचाया क्यों नहीं राइट तो भगवान बोलते भाई मैं क्या करता तुम्हारी बोट को आके ठीक थोड़ी करता तो आपको अपने लिए एफर्ट खुद से ही मारना पड़ता है एंड एट दी एंड भगवान उस मेहनत को देखते हैं एफर्ट को देखते हैं अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड देते हैं ठीक है ठीके? हाँ ऑब्वियसली साइलप्रीत और इतनी ज्यादा वो जो छोटी बच्ची थी राइट उसको बहुत बाद में हमें पता चला कि जब वो लोग आराम से नीचे लैंड हो गए कि भाई उसकी वो वो जो चोट थी ना वो सिर्फ चोट नहीं थी बल्कि उसके ऑपरेशन हुए थे तो सोचो उसे कितना डीप लेवल पे चोट लगी होगी बट उस बच्ची ने तब अपने दर्द को इग्नोर करके सिचुएशन को समझा और अपनी फैमिली को सपोर्ट किया मतलब इन मामले में तो मानना पड़ेगा कि अंग्रेजों के बच्चों में होती है भाई कोई बात है ना छोटे बच्चों में हमारे यहाँ के बच्चे में चलो आर राइट लेट्स ठीक है अब सेकेंड बुक के सेकेंड चैप्टर पर चलते हैं हम द एड्रेस पे अब एड्रेस बच्चों क्या है लिखा किसने है मार्गम इनको ने लिखा और ये रिवॉल्व करता है मेन इसकी जो थीम है वो क्या है बच्चों मेन थीम है क्राइसिस ठीक है एज एन इंडिविजुअल एनकाउंटर इन आर डेली लाइफ वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन तो इस चैप्टर में ना वॉर का जिक्र हो रहा है और वॉर से क्या होता है डिस्ट्रक्शन ही होता है वॉर से आज तक किसी का फायदा हुआ है आप लोग खुद बताओ कि कहीं पर वॉर हुआ और किसी का फायदा हो गया हो नहीं वॉर से क्या होता है हम लोगों को खोते हैं है ना वॉर से क्या होता है डिस्ट्रक्शन होता है दोनों साइड के लोग मारे जाते हैं पेन होता है लॉस ऑफ लाइफ होता है विच इम्पैक्ट ह्यूमन मतलब भाई जिसका मरता है उसी को पता चलता है कि उनकी पूरी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ा है राइट हाउ एवर दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट दरेटर एंड मदर्स लाइफ हाउ दे आर डिस्ट्राक्टेड ड्यू टू वॉर अब ये पूरी की पूरी स्टोरी की बहुत बार थीम पूछ ली जाती है पेपर में कि भाई थीम बता दो क्या है ठीक है सो द स्टोरी इज अबाउट द दूमन प्रोजेक्मेंट दैट फॉलोज द प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर पीरियड्स तो इस कहानी में ना आपको एक तो प्री वॉर दिखा रखा है एक पोस्ट वॉर दिखा रखा है और वॉर की वजह से कैसे एक फैमिली पूरी तहस नहस हो गई ये आपको दिखा रखा है ठीक है कि कैसे वॉर की वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया ये आपको बता रखा है सो so यहाँ पर एक मिसेस एस होती हैं जो कि एक जीव होती हैं ठीक है और एक रिच लेडी होती है वेर एस मिसेज डॉर्डलिंग क्या होती है नॉन जीव होती है सो so, जो लड़की होती है मिसिज एस की द गर्ल डॉटर ऑफ मिसिज एस हैड हैड लॉस्ट हर 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 हाउस एंड एंड मदर ड्यूरिंग द वॉर नाउ शी डिसाइडेड टू टू कम बैक टेक फ्रॉम हैलिंग क्या बात हो रही है देखो मैं बताती हूँ तुम्हें एक कैरेक्टर है मिसिज एस एक है मिसिज जॉर्लिंग अब ये वॉर जब चल रहा था ना तब की बात है ठीक है प्री वॉर मतलब वॉर अपने इनिशियल फेज पे था तो मिसिस जॉर्लिंग एक नंबर की लालची औरत है ठीक है और ये क्या करती है मिसेस एस के घर जाती है देखती है अरे इतने अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इतनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं तो उन्हें क्या बोलती है कि भाई वॉर में तो कहीं ये खराब ना हो जाए मैं ना तुम्हारा सामान रख लेती हूँ है ना जब वॉर के बाद तुम ये सामान मुझसे ले लेना तो ऐसे करके एक सूटकेस जब भी आती है एक सूटकेस भर के सामान उनके घर से अपने घर ले जाती है अब क्या होता है वॉर के दौरान जो इनकी डॉटर होती है ना जो इनकी बेटी होती है वो अपनी मम्मी को भी खो देती है मिसेज एस की भी मौत हो जाती है अपना घर भी खो देती है सारी चीजें खो देती है और वो डिसाइड करती है कि फाइनली मैं मिसेस के यहाँ जाऊंगी और जो मेरा सामान है जो मेरी यादें हैं, वो मैं उनसे वापिस लेकर आऊंगी ठीक है <coughs> नहीं बेटा आलिशा आप जो जो आपके पोएट के नाम है ना वो आप याद रखो दैट इज द मेन थिंग ठीक सो चैप्टर नेम इज हुआ बेटा मिसेस डॉर्लिंग कौन होती है जानने पहचानने वाली होती है है ना कोई इतनी खास दोस्त नहीं होती मिसेस एस की बट पहले इनकी बात हुआ करती थी बीच में बात बंद हो गई अब मिसेस डॉर्लिंग ने दोबारा से इनसे बात करना शुरू किया होता है क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें उनका सामान चाहिए होता है अब मिसिज एस क्या करती है अपनी डॉटर को मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस देकर जाती है कि भाई ये एड्रेस को तुम हमेशा याद रखना सो so, फाइनली क्या होता है व्हेन शी रीच द हाउस यानी कि जब मिसेस एस की डॉटर घर पहुंचती है मिसेस डॉर्लिंग के द वुमेन कोल्ड रिसेप्शन कोल्ड मतलब बिल्कुल कोल्ड हार्टेड बोल दो घर के अंदर भी नहीं घुसाया पानी भी नहीं पूछा कुछ भी नहीं बोलती किससे मिलना है अच्छा मुझसे मैं तो अभी नहीं मिल सकती लाइक like सोचो उसी की माँ के घर से इतना सामान लेकर आई और उसकी बेटी को इसने अंदर भी नहीं बाढ़ा ठीक है एंड डेंट हर इन टू हाउस जो नरेटर है ना वो दोबारा से सोचती है नहीं यार जाऊंगी एंड देन दूसरी बार में वो उसकी डॉटर से मिलती है वो लेटर इन एंड टोल्ड हर टू वेट इन साइड जब वो सारे पोजेशन देखती है वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती है एंड डिसाइड करती है कि मैं वहां से चली जाऊंगी तो यही चीज हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं ठीक है बच्चे बाटी यस yes. तो अब क्या होता है यहाँ पर आफ्टर रिंगिंग द डोर बेल ऑफ मिसिस हु लिव एट नंबर 46 सिक्स मार्कनी स्ट्रीट द प्रोटैगनिस्ट टाइम टू कोई हर तो यहाँ से कहानी शुरू होती है कि भाई डोर बेल बचती है मान लो मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ ठीक है मैं डोरबेल बजा रही हूँ एंड मिसेस डॉर्लिंग का घर है अब मिसेस डॉर्लिंग वहाँ पे क्या कर रही है उनका एड्रेस क्या है याद रखना नंबर फोर्टी सिक्स मार्कनी स्ट्रीट ठीक है तो जो प्रोटेगनिस्ट हैं प्रोटैगनिस्ट मतलब मिसेस एस की जो बेटी हैं ठीक है उनको बहुत ही कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता है यानी कि ना तो उन्हें घर में घुसाती है ये औरत और ना ही मिसिज डॉर्लिंग उन्हें पहचान पाती है बहुत टाइम लेती है ठीक है और बोलती है अच्छा तुम बच गए मतलब उसका ये मानना था कि ये सब तो मर ही जाएंगे तो ऐसा ऐसा रिएक्शन वो उसे देती है

नी वन प्लीज टेल मी द इंस्टाग्राम आई डी ऑफ तानिया मैम यार डिस्क्रिप्शन में है मेरी इंस्टाग्राम आई डी है ना यार हाँ यार मुझे फॉलो कर लिया करो इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स ना एकदम स्टेगनेंट हो गए हैं बढ़ ही नहीं रहे मैं टाइम ही नहीं दे पा रही वहां कर लिया करो यार ठीक है चलो सो so, अभी क्या हुआ वो पहचान लेती है अपनी मम्मी के ग्रीन कलर के स्वेटर को कि अरे इसने तो कपड़े भी मेरी माँ की पहन रखे राइट शी डिसाइडेड टू गो बैक टू द ट्रेन स्टेशन एंड थॉट अबाउट हर मदर एंड हाउ शी टोल्ड अबाउट डॉर्डलिंग अब वो क्या बोलती है वो दोबारा से स्टेशन पे जाती है और जाते जाते वो सोच रही होती है कि कैसे मेरी मम्मी ने मुझे, मुझे मिसेस डॉर्डलिंग के बारे में बताया था मतलब ऐसे वो चलता है ना कि मान लो मैं चल रही हूँ और मैं मेरी पास्ट मेमोरीज में चल गई तो स्टोरी वैसे चली जाती है थोड़ी सी पास्ट में चली जाती है कि भाई ड्यूरिंग द वॉर अब ये मिसेस डॉर्लिंग का किस्सा शुरू कैसे हुआ ये बताया जा रहा है ठीक है ड्यूरिंग द वॉर वॉर के समय मिसेस डॉर्लिंग इनके घर आया करती थी और इनके पजेशन यानी कि इनकी जो चीजें है ना वो अपने साथ ले जाती थी और बोलती थी कि didnt want them to get lost if they ever left the place कि भाई कभी वॉर में तुम्हें भागना पड़े तो चीजें खो जाएंगी मैं चीजें संभाल के रख लेती हूँ मिसेस डॉर्लिंग हैड अ ब्रॉड बैक और बहुत ही ब्रॉड बैक की ये लेडी थी

When they were crossing the passage, अब क्या होता है कि वो दरवाजे से अंदर घुस के लिविंग रूम की तरफ जा रही होती है राइट right? तो जब वो रास्ते में होती है उसे लगता है ये सारी चीजें तो मैंने देखी है मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे ही घर में हूं बस मैं इस जगह पे कभी नहीं आई तो सोच रही हूँ सारी चीजें उसी के घर की हैं तो प्रोटैगनिस्ट क्या करती है अपना जो हनुका कैंडल स्टैंड है उसे भी नोटिस करती है कुछ इस टाइप का वो दिखता है ठीक है इस टाइप बट तो इस तो ये इसने लगा रखा है जब वो लिविंग रूम में पहुंचती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसकी सारी चीजें वही होती है सोचो अब मान लो मेरे घर की ये सेटिंग है अब मैं किसी और के घर जाऊँ सेम सेटिंग मेरा ही सामान ऑब्वियसली मेरी मेमोरीज तो हिट करेंगी राइट she saw all her mother's things that were arranged in a tasteless tasteless मतलब बड़े गंदे तरीके से अरेंज करके इन्होंने लगा रखा होता है अब क्या होता है द फर्नीचर वाज अग्ली एंड द रूम हैड अ मगी स्मेल बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही होती है रूम से जिसकी वजह से ना वो बहुत ज्यादा डिसइंट्रेस्टेड सी हो जाती है और वो सोचती है भाई मुझे इस जगह पे नहीं रहना क्योंकि ये जगह ना मुझे मेरी पास्ट की मेमोरीस दे रही है जिससे मैं बहुत ज्यादा हॉरिफाइड फील कर रही हूं राइट तो मुझे यहां पर नहीं रहना वो यहाँ से चली आती है मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर ऑफर्ड हर अ कप ऑफ टी तो बीच में मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी होती है वो उसे चाय भी ऑफर करती है बट जो प्रोटेगनिस्ट है वो क्या नोटिस करती है ओल्ड टेबल क्लोथ की यहाँ तक कि टेबल क्लोथ भी इन्होंने हमारा ही डाला हुआ है जिसपे बर्न मार्क है गर्ल वॉज शोइंगली बिलोंग टू द प्रोटेगनिस्ट सोचो चमचे और फॉक तक प्रोटेगनिस्ट का है बच्चो शी जम्प एंड वॉक आउट ऑफ द हाउस तो उससे बर्दाश्त नहीं होता वो वहां से सीधा बाहर निकल जाती है एंड वो डिसाइड करती है कि वो इस एड्रेस पे कभी दोबारा नहीं आएगी बिकॉज इट ब्रॉड बैक मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस क्योंकि इन सब से उसे अपनी मम्मी की याद आ रही है वॉर की याद आ रही है मतलब उसके दिमाग में चल रहा है सारी पास्ट मेमोरीज उसे हिट कर रही है राइट right? और वो क्या बोल रही है कि भाई मैं इस एड्रेस को भूल जाना चाहती हूँ मैं यहाँ पे वापस लौट के कभी नहीं आना चाहती हूँ ठीक है बेटा समझ में आया जल्दी जल्दी बता दो से फिर हम बढ़ रहे हैं डिस्कवरिंग ट्यूट पे गाइज क्लियर ये और नो yes no? मैम आप ऑफलाइन कहाँ पढ़ाती हूँ यार मैं कैटेगरी को ऑफलाइन कहीं नहीं पढ़ाती हूँ मैं ऑनलाइन ही पढ़ाती हूँ केवल हां जी ऑल राइट right.

राइट right, एक बार तो आपको वन शॉट जरूर देखना चाहिए बट अगर आपका पेपर कल ही है तो कुछ नहीं कर सकते तो तो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बट अगर आपका पेपर बाद में है तो ये सुनने के बाद आप लोग प्लीज टाइम निकाल कर अपना लाइन बाय लाइन भी एक बार देख लेना वीडियो की स्पीड बढ़ाओगे तो आधे घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा ठीक है चलिए मैम हिस्ट्री के ऐसे ही लेक्चर बेटा हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है और हिस्ट्री के वन शॉट लेक्चर्स मैं चैनल पर आपको देती हूँ बट हिस्ट्री का ऐसे चैप्टर रिवीजन कराना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें <coughs> चलिए

इन 1922 हिज टॉम वाज डिस्कवर्ड बाय हारवर्ड कार्टर ये नाम याद रखना 1922 में इसका जो टोंब है वो किसने डिस्कवर किया था हमारे हारवर्ड साहब ने डिस्कवर किया था ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है 80 साल बाद बच्चों इनका सीटी स्कैन हुआ ताकि इनकी जो मिस्ट्री है कि इनका मर्डर हुआ कैसे इतनी छोटी उम्र में उसका पता लगाया जा सके आगे क्या हुआ भाई ट्यूट के फादर थे ठीक है या ग्रैंडफादर ये क्लियरली हमें कहानी में नहीं बताया गया उनका नाम था थर्ड एंड ये बहुत ही पावरफुल राजा थे जिन्होंने 40 साल रूल करा अब कहानी को समझने की कोशिश करना बात हो रही है ट्यूट के फादर या ग्रैंडफादर साहब की उन्होंने 40 साल रूल करा था बेटा जी ठीक है अब इनका बेटा था अमेनत ऑफ फोर ठीक है जो ऑब्वियसली इनके बाद गद्दी पर आया एंड इसने ना बहुत ही स्ट्रेंज सा पीरियड शुरू कर दिया इजिप्ट में जब इसने इजिप्ट को रूल करना शुरू किया ना बड़ी स्ट्रेंज स्ट्रेंज से इसने डिसीजन लिए इतिहास को एकदम से ना बदल के रख दिया इस बंदे ने ठीक है हाँ बेटा अलीशा कोहली मैंने पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस का आपका एक सेशन लिया मैं तभी बोलती हूं क्लासेस में आया करो है ना 8 बजे मैं आपकी क्लास लेती हूं 11th की और मैंने पूरा आपका सिलेबस का MCQ सेशन ले रखा है अलग से नहीं बेटा सौम्या मैं किसी को नहीं भूली बेटा मेरा बस पूरा ध्यान अभी पढ़ाने पर है चलो सो so, अब क्या हुआ ही प्रमोटेड वर्शिप ऑफ एटेन ये जो था ना नाथ फोर इसने क्या करा इनके एक भगवान थे बहुत अच्छी बात है भाई भगवान पे भरोसा रखना बट इसने जो बाकी लोग जिन भगवानों पे बिलीव करते थे ना उनके मंदिर तोड़वाना शुरू कर दिया कि जिस भगवान पे मैं यकीन करता हूं केवल उन्हीं की पूजा होगी और किसी की कतई पूजा नहीं होगी ठीक है तो इसने एटेन यानी कि सन जो है उनकी पूजा करना शुरू कर दिया ही हिज नेम इसने अपना नाम तक बदल लिया बच्चों अमन तो से इसने अपना नाम अखनेतन रख लिया जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटेन उसने क्या करा कैपिटल भी थीप से मूव कर दिया न्यू सिटी पे कि उसका नाम भी इसने अखनेतन अपने नाम पर ही रख दिया अब क्या हुआ फर्दर आमन यानी कि ये भगवान थे जो बाकी लोगों के भगवान थे उनको भी इसने हर्ट करा उनकी जो मूर्तियां थी वो तोड़ दी उनके टेम्पल्स बंद करा दिए ठीक है अब क्या हुआ बच्चों ये सब इसने अपने रूल में करा इसके बाद जो राजा बना वो था हमारा ट्यूट ठीक है तो जो ट्यूट था उसने क्या करा जैसी वो गद्दी पे बैठा उसने केवल नौ साल के लिए ही रूल करा ठीक है एंड ही वर्शिप गॉड आमोन इन ओल्ड वेस्ट तो जो इसने पुराने मंदिर तुड़वाए थे उसने वो रिवाइव कराया उसने बोला जिसको जिस भगवान को मानना आप लोग मानो है ना तो इसने चीजों को काफी हद तक सही करा बट इसकी जो डेथ थी वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से हुई कोई इसका पता नहीं लगा पाया बहुत लोग बोलते हैं कि शायद मर्डर हुआ इसका अब क्या हुआ जब ट्यूट की बॉडी को आपको पता ही है ना इजिप्ट में बॉडीज को मम्मी बोला जाता है जो राजा हुआ करते थे तो so, यहाँ पर यही बोला है कि ट्यूट्स ममीफाइड बॉडी वाज डिस्कवर्ड ही वाज लेड विद लॉट्स ऑफ गोल्ड तो ये जो लोग होते थे ना इजिप्ट के ये लोग आफ्टर लाइफ में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे उन्हें लगता था कि मरने के बाद भी एक लाइफ है जो एग्जिस्ट करती है तो इसलिए हमें वो सारी चीजें जब इंसान मरे उसी के कॉफिन में डाल देनी चाहिए जो उसको अपनी आफ्टर लाइफ में जरूरत पड़ेगी ठीक है हां तो अभी क्या हुआ कि भाई गोल्ड हो गया पैसे हो गए एवरीडे आइटम्स जैसे कि रेजर गेम क्लोथ्स है ना फूड वाइन सब इन्होंने उसके साथ दफना दिया था एंड उसकी बॉडी को डिस्कवर किया 1922 में किसने खेचर ने एंड ये बहुत सालों से इसकी बॉडी ढूंढ रहा था ठीक है इसकी मम्मी को ढूंढ रहा था नॉट इसकी मदर वाली मम्मी बट इसकी बॉडी को ढूंढ रहा था एंड फाइनली इसने डिस्कवर कर लिया अब इसने ना सारे खजानों पे रिसर्च अपनी चालू करी एंड ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट थ्री नेस्टेड तो इसने ये पाया कि भाई इसकी बॉडी को ना तीन कॉफिन में रखा गया है ठीक है यानी कि एक के अंदर एक के अंदर एक तीसरे कॉफिन में इसकी बॉडी है एंड कुछ तो लोग लूट के भी ले गए थे यानी कि कुछ जो ट्रेजर था जो खजाना था लोग लूट के ले गए थे ऑब्वियसली लोगों को पता चलेगा तो वो छोड़ेंगे लूट के ले जाएंगे सो हिस्स टोम वॉज रॉक कट ट्वेंटी सिक्स उंड विच है कि उसकी जो बॉडी है ना उसमें से सारा गोल्ड वगैरह निकाल ले अपने पास ना रखे ऑब्वियसली किसी सेफ जगह रखे वरना लोग ऐसी आएंगे और सब कुछ लूट के ले जाएंगे और हमारे पास रिसर्च करने के लिए कुछ नहीं बचेगा ठीक है बेटा हाँ पूनम शर्मा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब कराओगे बेटा मैं करा चुकी हूँ अभी मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी बच्चों को प्ले में है ठीक है इंपॉर्टेंट ऑफ योर ऑल द चैप्टर्स वो वीडियो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ अभी अगर आप रुकोगे एंड तक तो मैं एक और बार आपको वो वीडियो दिखा दूंगी ऑल राइट तो अब क्या हुआ पहले कॉफिन खोला तो भाई बहुत सारे उन्हें मालाएं दिखी बहुत सारे उन्हें हार वगैरह दिखे ठीक है इससे ये पता चला कि भाई शायद

जो जॉइंट्स है वो काटने पड़ेंगे यानी कि ये वाला ज्वाइंट काटा यहाँ से सारे जो गोल्ड के जितने भी गहने उसे पे हैं सब निकाला तो ऐसे कर उसने बॉडी को काट दिया और दोबारा से बॉडी को रख दिया और ऐसा उसने क्यों करा ताकि भाई दूसरे चोर आकर बॉडी को लूट के ना जाए अगर वो ऐसा नहीं करता तो थी वुड पहले सर निकाला देन दे कट ऑफ एवरी फिर हर को काटा जब बॉडी पार्ट्स रिमूव करे तो उसके बाद क्या करी दोबारा से बॉडी पार्ट्स को लगाया एक लेर ऑफ सैंड बिछाया और उस पर उसकी बॉडी रख दी किसमें वुडन के बॉक्स में और आज तक भी उसकी बॉडी जब ये चैप्टर है तो वो वुडन के बॉक्स में ही थी ठीक है तो उसे अपने कॉफिन से निकाल के वुडन के बॉक्स में रख दिया 1968 में बेटा मम्मी का क्या हुआ एक्सरे करवाया गया बायन एन एनाटमी प्रोफेसर जिससे नए फैक्ट्स पता चले कि उसके ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स ये चीजें मिसिंग है उसकी बॉडी से लेटर जनवरी पांच 2009 को ट्यूट टेकन फॉर दी टी स्कैन विच टेक हंड्रेड ऑफ एक्सरेंट क्रिएटर एक थ्री इमेज क्रिएट करके देता है आपको आपकी बॉडी की अब क्या हुआ जिस रात उसका स्कैन था तो जो वर्कमैन थे उन्होंने उसकी बॉडी को टॉम से निकाल कर बाहर तक स्कैन करने के लिए स्कैनर बीच में ही काम करना बंद कर गया तो वहां का जो गार्ड था बच्चों वो बहुत ज्यादा डर गया और वो बोलता है कि शायद ये ना राजा का श्राप है ऐसा बोला जाता है कि कोई भी उसकी बॉडी को छेड़ेगा तो वो मर जाएगा या वो अनलक्की हो जाएगा तो जब स्कैनर बंद हो गया तो ऐसे सब वो बोलने लगा बट फाइनली आफ्टर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस जो स्कैन था वो फाइनली कर लिया गया तीन घंटे तक वो प्रोसेस चली एंड देन उसकी बॉडी को दोबारा उसके टब में ले जाकर रख दिया गया इज इट क्लियर एवरीवन बेटा पूनम शर्मा मैं क्वेश्चन आंसर्स की ही बात कर रही हूं मेरी जान प्लीज मेरी जान चैनल से अपडेटेड रहा करो ठीक है यहां पर ये देखो ये देखिए ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम स्पेशल ऑल चैप्टर इंक्लूडेड ठीक है ये एक घंटे तेईस मिनट की आपकी वीडियो है और इसके अंदर मैंने आपके सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एम सी क्यू नहीं क्वेश्चन आंसर्स ही करवाए हैं लिखने वाले क्वेश्चन आंसर्स और इसकी पी डी एफ मैंने आपको टेलीग्राम पर भी दी है बेटा ताकि आप लोग याद कर लो सारे चैप्टर सारी पोएट्री सबके क्वेश्चन आंसर्स इसमें इंक्लूडेड है ठीक है मेरी जान ऑल राइट चलिए तो हम लोग चलते हैं हमारे मदर्स डे वाले चैप्टर पे ठीक है बेटा आई होप कि अभी तक मैं जितना समझा रही हूं इट इज ऑफ सम हेल्प और आप लोगों को समझ में आ रहा है ऑल राइट सो मदर्स डे चैप्टर पे चलते हैं अब इस प्ले के अंदर ना पांच मेजर कैरेक्टर्स हैं। ठीक है क्या है बेटा जी पांच मेजर कैरेक्टर हैं सबसे पहले है आपकी मिसेस एनी पियर्सन फिर है उनके हस्बैंड जॉर्ज फिर है उनका बेटा सेरल फिर है उनकी डॉटर डोरिस और फिर है उनकी नेबर मिसेस फिट्स ठीक है तो ये आपको कैरेक्टर्स के नाम याद रखने क्योंकि ये जो मदर्स डे है दिस इज अट ऑफ अ प्ले ये एक प्ले है ठीक यस तो अभी क्या होता है देखो ये जो प्ले है ये लिखा किसने है जेबी प्रेस्ली ने लिखा है एंड इसमें ना बताया गया है कि कैसे एक मम्मी मतलब ये ट्यूट वाली मम्मी नहीं जो हमने पढ़ा है अब हमारी रियल मम्मी की बात हो रही है तो कैसे हम लोग हमारी माओ के जो एफर्ट्स है ना वो इग्नोर कर देते हैं राइट right? और हम लोग ये चीज करते हैं हम लोग उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते हैं. राइट right? तो यहाँ पर यही बताया गया है इट फैमिली मेंबर्स हु वर्क कि सारे उनका पति तो अपनी अपनी तो संडे को भी छुट्टी नहीं होती राइट right? उनकी मम्मी पूरा ट्वेंटी फोर उनको काम करके देती है तब भी वो उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते देम दे टेक हर फॉर ग्रांटेड तो वो सब उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं एंड उन्हें

कि कैसे तुम्हें तुम्हारे बच्चे और पति से इज्जत मिलेगी ठीक है अब अब ये जो प्ले है ना बेटा ये शुरू होता है दो फ्रेंड्स के साथ जो कि एक रैंडम कॉन्वर्जेशन कर रही होती है एक होती है मिसेस पियर्सन एक होती है मिसेस स्वित्स तो मैं आपको थोड़ा सा मिसेस स्विथ्स और पियर्सन के बारे में बता देती हूँ तो मिसेस पियर्सन हमारी ना बहुत ही सबमिसिव टाइप की होती है ठीक है सबमिसिव टाइप मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा दबने वाली ज्यादा कुछ बोलने नहीं वाली मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो मेरे पति को दिक्कत ना हो ये सब सोचने वाली और मिसेस फिट्स थोड़ी बोल टाइप की होती है कि अरे देख लेंगे आजा ठीक है तो वैसे टाइप की होती है दोनों अपनी बैठ के बात कर रही होती है तो मिसेस फिट्सना मिसिस पियर्सन का फॉर्च्यून बता रही होती है उन्होंने एडवाइस कर रही होती है तो मिसिस पियर्सन उन्हें बताती है कि मेरी फैमिली मेंबर्स मुझे वैल्यू नहीं करते मुझे अप्रिशिएट नहीं करते मैं उनके लिए इतना काम करती हूँ बट वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते तो मिसिस पियर्सन अपनी

इस घर की वुमेन हो राइट तुम मेन हो तुम अपने लिए स्टैंड लो बट मिसेस पियर्सन बीइंग द स्वीट एंड इनोसेंट लेडी वांट टू ब्रिंग हर फैमिली एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट तो उसे लगता है नहीं मैं मेरी फैमिली को ना डिस्कम्फर्ट फील नहीं कराना चाहती मैं मेरी फैमिली को ना परेशान नहीं करना चाहती तो वो बोलती है नहीं नहीं भाई मुझसे ना हो पाएगा So tantrums, जो भी अपनी है तो कहां से शुरू करना चाहिए बदतमीज हो गए बनाना शुरू करूं मुझे पता ही नहीं है अब मिसेस फिट्स उसे एक आइडिया देती है बोलती है भाई देख मेरे को जादू आता है मैं क्या करूं मैं जादू से ना अपनी जो आत्मा है वो तेरे अंदर डाल देती हूँ और तेरी अपने में डाल लेती हूँ

जो उन्होंने अपने ईस्ट साइड से सुना होता है और उनकी पर्सनालिटी चेंज जाती है अब जो एक्चुअल में मिसेस की है, है उसके अंदर कौन मिसेस पियर्सन की शक्ल है उसके अंदर कौन है बेटा जी मिसेस फिट्स क्लियर सो नाउ न्यू मिसेस पियर्सन टेल मिसेस फिट्स टू गो टू हर हाउस फॉर द टाइम बी समझ में आया तो अब जो नई मिसेस पियर्सन है यानी कि मान लो मैं मिसेस पियर्सन थी बट अब मेरे अंदर किसकी याद में मिसेस फिट्स की तो अब वो उसे क्या बोल रही कि जा तू मेरे घर जाके बैठ इतने मैं तेरे घर पर संभाल लूंगी सारा ठीक है तो वो एक्चुअल मिसिस पियर्सन को अपने घर भेज देती है अब एट दिस मोमेंट इन द प्ले इसी समय डोरिस जो उनकी बेटी होती है उसकी एंट्री होती है ठीक है और वो क्या बोलती है आती है ऑर्डर देती है अपनी मम्मी मम्मी क्या, क्या मेरी मम्मी स्मोक कर रही है में स्मोक कौन कर रहा है मिसेस फिर बट शक्ल किसकी है मिसेस पियर्सन की राइट right? तो वो बहुत शॉक हो जाती है एंड उधर से ऑर्ग्यूमेंट चालू हो जाता है जब मिसेस पियर्सन बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देती है चार्ली स्पेंस की बोलती है तू तो किसके साथ जा रही है चार्ली स्पेंस है ही क्या उसमें लप्पू सा ठीक है तो ऐसे करके वो इंसल्ट कर देती है जिसके साथ वो शाम को बाहर जाने वाली होती है द गाय शी इज अबाउट टू गो आउट अब डोरिस बहुत ज्यादा रोने लगती है ठीक है और जो उसका भाई होता है इतने में वो भी आ जाता है एंड वो भी चाय मांगता है और बोलता है मुझे कुछ खाने को दे दो तो बच्चों वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है ये देखकर कि भाई कुछ खाने को ही नहीं है ना मेरी मम्मी ने इस वक्त कुछ चाय वाय बना रखी है ये क्या चल रहा है अपॉन आस्किंग इज रॉन्ग मिसिज पियर्सन टेल्स इम यानी कि जो मिसेज फिथ है अंदर वो क्या कर रही है उल्टे जवाब दे रही है तो उनका बेटा पूछता है कुछ हुआ है क्या तो बोल रही है नहीं मुझे तो आज से बेटर कभी फील ही नहीं हुआ सिल्स अनोयड तो वो भी बहुत ज्यादा एनॉय हो जाता है डॉरिस भी उसको ज्वाइन कर लेती है वेर देर आर टोल्ड दैट मिसेिस पियर्सन माई टीविन टेक द वीकेंड ऑफ तो उनकी मम्मी क्या बोलती है मैं तो शायद कोई काम वीकेंड पे करूँ भी ना

तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे ना इस दोपहर मतलब आज मैं कोई चाय वाय नहीं पीऊंगा क्योंकि ना मेरे को कहाँ जाना है क्लब जाना है क्लब में कोई स्पेशल मैच है सो so, वो बोलती है कि हाँ मैंने चाय बनाई भी नहीं है सो ऑन देयर इज नो टी ही गेट्स अगेन तो मतलब वो उसकी पत्नी बोलती है कि वैसे तो तुम्हें चाय चाहिए नहीं थी जब मैंने बोल दिया चाय बनाई नहीं है तो इसमें अनॉय होने वाली कौन सी बात है मतलब तुम्हें चाहिए था कि मैं चाय बनाऊं बट तुम पियोगे नहीं

ठीक है जो एक्चुअल में मिसेस फिट्स है वो जॉर्ज को सबक सिखा देती है कि तुम चुप रहो मेरी दोस्त मुझसे बात कर रही है सो so डोरिस भी आ जाती है एंड वो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होती है मिसेस फिट्स को देख के मिसेस पियर्सन ब्रिंग्स हर ऑन ट्रैक टू तो उसको भी वो सीधा कर देती है At this point, अब बच्चों बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, है, जो जो Mrs. Fitz होती यानी कि एक्चुअल मिसेस पियर्सन वो अब अपना काम खो देती है वो बोलती है ये तो मेरी फैमिली के साथ बहुत गंदा ट्रीट कर रही है मैं तो ऐसे नहीं देख सकती और वो क्या बोलती है फैमिली को कि आप जाओ मुझे इसके साथ अकेला छोड़ दो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ सब ठीक हो जाएगा

अब वो बोलती है मिसेस पियर्सन को जैसे मैंने इनके साथ बिहेव करा है ना वैसे तुझे दो तीन बार कर लेना चाहिए यानी कि तुझे भी थोड़ा सा डोमिनेट होना पड़ेगा तुझे भी अपनी इंपॉर्टेंस के लिए लड़ना पड़ेगा थोड़ा सा कंट्रोलिंग बनना पड़ेगा सो हाउ इंपॉर्टेंट इज फॉर हर टू बिट टू बी अ बिट डोमिनेटिंग वंस इन अ वाइल्ड टू इस्टिश हर कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट सो उसके बाद उनकी पूरी फैमिली आती है और मिसेस पियर्सन सजेस्ट करती हैं कि भाई आज हम रमी खेलेंगे और खाना बच्चे बनाएंगे कोई कहीं नहीं जाएगा सब लोग तुरंत मान जाते हैं कि हाँ हाँ जैसे मम्मी बोलेगी हम वैसा कर लेंगे एंड दे आर a बिट रिलीव टू मिसेस फिट्स वहां से निकल जाती हैं और इसी के साथ बेटा हमारा जो प्ले है वो समाप्त हो जाता है धन्यवाद समझ में आया सभी को तो भाई बेसिकली ये प्ले हमें दिखाता है इंपॉर्टेंस ऑफ मदर्स कि कैसे हम लोग हमारी माँ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं और दूसरी चीज दिखाता है कि फैमिली में सब साथ होकर भी साथ नहीं है यानी कि लास्ट में उनकी मम्मी उन्हें बोलती है टू प्ले रमी यानी कि कितना ज्यादा मतलब वैसा ओकेजन है कि वंस इन अ वाइल्ड फैमिली साथ बैठ रही है वरना पति क्लब में है बेटी डेट पे है बेटा कहीं और है माँ घर पे अकेली है राइट तो ये सारा कल्चर नॉर्मलाइज हो गया है इस पे फोकस करता है गॉट इट बड़ा फट से बताओ यार जल्दी जल्दी बता दो छह चैप्टर्स मैं आप लोगों को करा चुकी हूं अब मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूं ठीक है ओके अभी मैंने आपको क्या कराया छह चैप्टर कराए अभी आपको क्या करना है इसके क्वेश्चन आंसर्स राइट मैंने आपको ये हर चैप्टर का एक सेपरेट वन शॉट भी दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ भेज रखी है टेलीग्राम पे और करवा भी रखा है वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रखे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो राइट यही एक रीजन है कि मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स को इंक्लूड नहीं करा बिकॉज़ एक सेपरेट अलग जैसे छे के छे चैप्टर मैंने समझा दिए छे के छे क्वेश्चन आंसर्स मतलब छे के छे चैप्टर्स इंक्लूडिंग योर पोएट्री वाले क्वेश्चन आंसर्स भी आपको इसी में मिल जाएंगे ये बात सभी को समझ में आई जल्दी बोलो ये बात समझ में आई अब बात आती है मैम पोएट्री की ठीक है तो यार देखो अगर आप चैनल पर जाओगे ना तो मैंने सारी एक एक अलग अलग करके भी आपको समझा रखी है अलॉन्ग विध एनसी के चारों पोइट्री मैंने एक ही लेक्चर में आपको अब भी समझाई परसों की क्लास में राइट वन डे अगो मैंने आपको समझा तो एक दिन पहले जो बात मैंने बोली है वो दोबारा से रिपीट करना इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम राइट right. तो सारी पोएट्रीज मैंने आपको एक खट्टे इसमें समझा रखी है लाइन बाय लाइन समरी नहीं दी क्योंकि पोएट्रीज में समरी करोगे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा लाइन लाइन बाय समझना बहुत जरूरी है so, इसीलिए मैं ये दो लेक्चर्स लेकर आई हूँ एक बच्ची की कमेंट भी है मैंने वैसे तो बहुत बच्चों के कमेंट है बट मुझे ये सबसे पहले दिखा तो मैंने इसी को डाल लिया कि मैम टुडे देयर वाज माय एग्जाम बहुत इजी पीजी था पेपर आपकी लैंग्वेज में कहूं तो मचा के आ गई आज और आपने जो लेबरनम टॉप के एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन दिए थे उनमें से पांच क्वेश्चन वही आए सेम डिटो थैंक यू ठीक है तो ये मैं क्यू ये मैं मैं लाई हूं दिखाने के लिए कि जो क्वेश्चन आंसर करा रही हूं वो वेल्लेपन में नहीं करा रही हूं उनमें से लेजिट आते हैं क्वेश्चन आंसर्स और ये आप ही बच्चे मुझे बताते हो क्योंकि इलेवेंथ का कोई कॉमन पेपर नहीं होता बोर्ड एग्जाम तो होता नहीं है कि आए थे आप ही बच्चे मुझे बताते हो राइट right. तो इसीलिए ये दो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑल राइट वैसे तो यार देखो मैंने तुम्हें सारा ही सिलेबस करा रखा है बट मैं तुम्हें आज रिपीट करा रही हूं सब ये मैंने रिपीट बस इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये एक दिन पहले कराया मैंने मुझे नहीं पता अब में से कितने बच्चे आए थे क्लास में बट ये मैंने एक दिन पहले कराया इसके अंदर फोटोग्राफ लेबरनम ट्रॉप वॉइस ऑफ द रेन चाइल्डहुड का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ाया है ठीक है तो अब मैं आपको कराने वाली हूं बेटा जी आपका राइटिंग सेक्शन इतना समझ में आया राइटिंग सेक्शन शुरू करें क्लास इलेवेंथ का जिसके अंदर है हमारा नोटमेकिंग पोस्टर एडवर्टीजमेंट स्पीच डिबेट आई यू गाइज रेडी कराया मैंने आपको यह भी एक वीडियो में बट यह मैं रिपीट करा रही हूं क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को डाउट है ऑल राइट ठीक है मैम मैं फर्स्ट टाइम आई हूं क्लास में कोई बात नहीं बेटा आरजू तभी मैं ये स्क्रीनशॉट्स लगाकर लाई कि कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम आया तो उसे पता चल जाए ये सारी आपको क्लास इलेवेंथ के वन शॉट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हर चैप्टर हर पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और इसमें आपकी सारी पोएट्रीज हैं लाइन बाय लाइन कहीं और जाने की जरूरत नहीं है ठीक है तो, तो हेयर इज पे, चलो लेट स्टार्ट आर राइटिंग सेक्शन फॉर टूडे अब सबसे पहले यार देखो ये बात को ध्यान में देना कि तुम्हारे पेपर में ना ग्रामर सबसे कम नंबर की आ रही है पता है आपको ये बात ठीक है ग्रामर आएगी सात नंबर की सीबीएससी की मैं बात कर रही हूँ फिलहाल अभी सीबीएससी के पेपर की ठीक है नोट मेकिंग आएगा आपके आठ नंबर का राइट right? हाँ ऑब्वियसली बेटा प्रतिभा पेपर में पोम तो आएगा ही चलिए तो यार नोट मेकिंग में आप ये चीज समझो सबसे पहले कि आपको लिखना किस तरीके से है हेडिंग आएगा सबसे ऊपर आपका उसके बाद बेटा जी सब हेडिंग डालना है ठीक है सबसे ऊपर तो तुम्हारा हेडिंग आ गया उसके बाद नीचे क्या डालोगे सब हेडिंग फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें हर बार एग्जांपल भी देती हूँ, मान लो मुझे टेंसिस की बनाना है तो मैंने टेंसिस डाला मेरा हेडिंग ठीक है उसके बाद मैं सब हेडिंग क्या डाल सकती हूं मेरा नंबर 1 मैंने डाला यहां पे प्रेजेंट टेंस अब क्या है बेटा इसके नीचे आएंगे आपके पॉइंट्स तब हेडिंग के नीचे क्या आते हैं पॉइंट पॉइंट हमें किस स्ट्रक्चर में लिखने हैं ये ध्यान से देखना हां राइटिंग सेक्शन के टोटल सोलह नंबर हैं ठीक है ठीक है राइटिंग सेक्शन आपके सोलह नंबर की है आपका जो रीडिंग स्किल्स है वो आपके 26 नंबर का है जिसमें से आठ नंबर आपके नोट मेकिंग के ही हैं, ठीक है ठीके? और आपका जो लिटरेचर है वो 31 नंबर का है यानी कि मेन मेन पार्ट आपका ना पूरा इस मैराथन में कवर्ड है आज अब मेरा एग्जाम हो गया आपकी वीडियो की वजह से बहुत अच्छा गया थैंक यू बेटा <coughs> So, ध्यान से समझो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी यहाँ हमने सब हेडिंग डाल दी अब हमें इसके एग्जाम्पल तो मतलब दे रही हूँ लिखना किस तरीके से फिर वन पॉइंट टू प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस फिर वन पॉइंट थ्री प्रेजेंट परफेक्ट है ना अब मान लो मुझे नंबर टू हेडिंग डालनी है तो मैं इसी के नीचे डालूंगी टू ये क्या है मेरा पास फिर से अगर मुझे 2.1 डालना है तो मैं क्या करूंगी इसी के नीचे यहां पर ये यहां से पी लिखा है 2.1 अब इसकी भी सब सब हेडिंग होती है एक तो मैं क्या करूंगी मान लो यहां मैंने लिख दिया सिंपल पास्ट ठीक है अब मुझे इसी का अगर कुछ सब सब लिखना है तो बेटा मैं कैसे लिखूंगी यहां से लिखूंगी मैं टू पॉइंट वन ठीक है और यहाँ पर मैंने सिंपल पास्ट में मान लो आपका सेकेंड फॉर्म लिख दिया तो ये एक स्ट्रक्चर फॉलो होता जाता है इसको आपको ध्यान में रखना है कि किस स्ट्रक्चर में हमें नोट मेकिंग लिखकर आनी है पेपर में ठीक है बेटा टेंथ का मैराथन हो चुका है लास्ट संडे को चैनल पे पड़ा है आप देख सकते हो सो so, सबसे पहले सब हेडिंग फिर वन पॉइंट वन अगर इसका भी सब पॉइंट बनाना है जो कि बनाना होता है एटलीस्ट फोर सब हेडिंग्स हमें डालनी होती है है और फोर सब सब हेडिंग्स ठीक है? बाकी हर टीचर अपने अकॉर्डिंग उसमें इलेवेंथ में अलग बताता है तो आप अपने स्कूल टीचर को ही फॉलो करो बट चार हेडिंग सब हेडिंग्स तो मेन होती है ठीक है सब हेडिंग इन द सेंस दिस वाली और सब सब इज दिस वाली ठीक तो यहां पर ये जो 1.3.1 है ये ऐसे हो जाएगा 1.3.2 ऐसे देन अगेन टू 2.1, 3, 3 3 तो साथ ही साथ समरी लिखते हैं और समरी कंप्लीट होती है अगर आप की टू एब्रीविएशन नहीं बनाकर आओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे ठीक है हाँ आपके नंबर तब कट जाएंगे तो अभी आपको क्या करना है ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है और इसके थ्रू हम लोग नोट्स बनाकर देखेंगे अब आपको मैंने बहुत बार बोला है, मतलब छह सात लोगों को बता चुकी हूँ नहीं, तो मतलब नहीं आप लोग एक एक पैराग्राफ में एक एक लाइन पढ़ते जाओगे और नोट्स बनाते जाओगे ताकि उससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमें नंबर भी पूरे मिलेंगे मैम ये कैसे पॉसिबल है आई विल टेल यू सी सबसे पहले आप यहां से अपना पढ़ना शुरू करो ठीक है मेरे साथ साथ पढ़ना है क्योंकि मेरे को तो बेटा आता ही है आपको सीखना है तो मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करो हाउ डस टेलीविजन अफेक्ट आवर लाइफ इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू द द पीपल हु केयरफुली चूज शोज दैट दे वॉच टेलीविजन कैन इंक्रीज अवर नॉलेज हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड मेनी फील्ड इससे हमें समझ में आ गया टेलीविजन के बेनिफिट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है राइट right? तो अब मैं क्या करूंगी साइड में ही मेरा आंसर शीट पड़ा होगा राइट right, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई आप हेडिंग सब हेडिंग से नोट्स बनाओ एब्रीविएशन लिखो समरी लिखो है ना ये सब आपके क्वेश्चन में आने वाला है अब आप क्या करोगे देखो यहां पर तो ये एक ही साथ लिखे हुए बट आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है जो मैंने बताया है यानी कि वन फिर वन पॉइंट वन फिर वन पॉइंट वन पॉइंट वन फिर टू तो आप लोग इसी फॉर्मेट में लिखोगे ठीक है इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है अब सबसे ऊपर बेटा हमने हेडिंग डाल दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाचिंग टेलीविजन ठीक है गॉट इट नंबर मैंने क्या देखा भाई फर्स्ट मेरे पैराग्राफ में बेनिफिट्स की बात हो रही है आप बेनिफिट्स की जगह एडवांटेजेस भी लिख सकते हो वो अब आपकी सोच के ऊपर है कि अब बैठ के कितना सोचते हो जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर तरीके से आप सोच के लिख कर आ पाओगे सो so, बेनिफिट लिख दिया अब आपको लाइन पढ़ते जाना है बेटा और लिखते जाना है बाकी आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे आठ नंबर फ्री के आपको कुछ रटना नहीं है कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना ठीक है हाँ। so, देखो सबसे पहले क्या लिखा है कैन इंक्रीज आवर नॉलेज एक बात को ध्यान में रखना कभी भी नोट मेकिंग करते समय आपको फुल सेंटेंसेस का प्रयोग नहीं करना आपको क्या करना है छोटी छोटी अपने जो स्लैंग्स होते हैं ना ठीक है स्लैंग्स का मतलब ये नहीं है कि आप सारे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा मतलब आपको शॉर्ट शॉर्ट नोट्स टाइप में लिखना है जैसे कि टेलीविजन कैन इनक्रीज आर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड अब मैंने यहां पर क्या लिखा 1.1 में इंक्रीजेस नॉलेज बस और नॉलेज को भी छोटा कर दिया क्योंकि आपको एटलीस्ट चार से पांच एब्रीवियशन तो बनानी है एब्रीविएशन क्या होता है किसी भी चीज को छोटा करके लिख देना जैसे इन्वायरमेंट है तो मैंने ई एन वी लिख दिया उसको समझ रहे हो टेलीविजन को हम टीवी लिख देते हैं राइट right? अब जैसे एसी है हमें लगता है एसी तो नॉर्मल है, नहीं नहीं की टू एब्रीवियन में डालेंगे ठीक है सो यहां पे मैंने लिख दिया वन पॉइंट वन में इंक्रीजेज अब इसी के अंदर मैंने एक सब पॉइंट बना दिया क्योंकि सब पॉइंट बनाना जरूरी है राइट सो वन पॉइंट वन पॉइंट वन किसकी नॉलेज इंक्रीज करता है आउटसाइड वर्ल्ड की ठीक है तो भाई इंक्रीजेज नॉलेज तो मेरा वन पॉइंट वन था बट किसकी नॉलेज इंक्रीज कर रहा है वो मैंने सब पॉइंट में डाल दिया तो आउटसाइड वर्ल्ड की नॉलेज इंक्रीज करता है और क्या करता है भाई ये और भाई साइंस की नॉलेज इंक्रीज करता है मेडिसिन की करता है आर्ट्स की करता है तो ये सारी चीजें हम लोग दोबारा से यहाँ पर डाल सकते हैं कि भाई साइंस मेडिसिन डिफरेंट आर्ट पे डिफरेंट को भी मैंने क्या कर दिया एब्रीविएट कर दिया जब भी आप किसी चीज को एब्रीविएट करो जैसे डिफरेंट को किया तो यहाँ पे एक छोटा सा फुल स्टॉप लगा दो ताकि पता चल जाए टीचर को भी कि ये आपका एब्रीविएटेड वर्जन है गॉड इड एवरी समझ में आ रहा है कि नहीं यार थोड़ा ये भी बता दिया करो मैं ही बोलती रहती हूँ दो घंटे से लगातार बोल रही हूँ मैं तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो ठीक है अब देखो जब मेरा ये वाला सेंटेंस खत्म हो गया अब यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू है कि भाई टेलीविजन ओल्ड पीपल को भी बेनिफिट करता है जो अपना घर नहीं छोड़ सकते पेशेंट को भी बेनिफिट करता है हॉस्पिटल में तो इसे मैं अपना 1.2 बना सकती हूं कि आ तो ये मेरे बेनिफिट्स के अंदर ही रहा है बट ये अब अलग चीज है ये नॉलेज इंक्रीज की बात नहीं ये अलग चीज है तो मैंने यहाँ पर ओल्ड पीपल एंड पेशेंट वाला पॉइंट भी डाल दिया अब मैंने क्या करा बेटा जी आगे वो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है भाई कि ये हमें डेली इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस भी कराता है और हमारी वो भी इंक्रीज करता है राइट right? तो मैंने आगे इसी पे पॉइंट बना लिए 1.3 पॉइंट इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस और फोर्थ पे इंक्रीजेस वो कैब एंड प्रैक्टिस लिसनिंग जितने भी मेरे एब्रीविएशन थे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया और फुल स्टॉप भी लगा दिया तो यहां पे मेरे फर्स्ट पैराग्राफ का नोट्स डन हो गए क्लियर हाँ आप चाहो अंडरलाइन कर सकते हो अंडरलाइन करने के कोई नंबर नहीं कटेंगे हमारे है ना अगर आपका मन है आप कर सकते हो ठीक है अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट वाले वही पे, so right? तो अपने आंसर शीट पे अलग हेडिंग डाल दूंगी नंबर टू डिसएडवांटेजेस यहाँ पे नंबर वन क्या था बेनिफिट अब मैंने क्या करा नंबर टू डिसएडवांटेजेस के बारे में मैं यहाँ पर लोगों को बताने वाली हूँ ठीक है भाई सो so अभी यहाँ पर क्या करना है बेटा मुझे डिसएडवांटेजेस में यहाँ पर लिखा है के सम कंट्रीज पीपल वॉच टेलीविजन फॉर सिक्स आवर्स नंबर वन स्टेयर एट टीवी स्क्रीन फॉर मोर आवर्स नंबर टू अब आगे क्या है जो नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस है वो नेगेटिव होता है मतलब कम से कम कम से कम शब्दों में हमें लिखना है तो हम ये तीनों पॉइंट्स ही यहां पर लिख सकते हैं कि अब देख रहे हो hours को हम हम ऐसे ऐसे ही लिखते हैं। हम ऐसे लिखते हैं कभी भी नहीं हमें आदत नहीं है but full form तो यही है ना तो इन छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है। या या फिर अगर आप नोट मेकिंग में ऐसे भी लिख रहे हो ना तो आप इसको भी एब्रीविएशन ही मानोगे इसको आप की टू एब्रीविएशन में ए एनडी लिख कर आओगे क्योंकि इंग्लिश में ऐसे लिखना अलाउड नहीं होता इंग्लिश में हमें पूरा लिखना होता है ए एंड डी ठीक है Yes. So, डिस तो में ही डाल रहे हैं पूरे पूरे सेंटेंसेज हम नहीं लिख रहे अब आगे क्या बात हो रही है बेटा यहां पर भी डिसएडवांटेजेस ही बताई जा रही है क्या के ह्यूमन ब्रेन पर इसका इफेक्ट प्रभाव पड़ता है और जिसकी वजह से पुअर कंसेंट्रेशन हमें होता है ठीक है भाई तो ये हम लिख देते हैं 2.4 हमने लिख दिया इफेक्ट ऑन ह्यूमन ब्रेन अब हमने इसी की सब हेडिंग डाल दी कि क्या क्या इफेक्ट होता है तो 2.4.1 पॉइंट फोर पॉइंट वन पुअर कंसेंट्रेशन ठीक है ध्यान देना बेटा ये इस टाइप की जो हेडिंग्स है ना 2.4.1 ये तीन वाली हेडिंग ये भी बना के आना कंपलसरी है एटलीस्ट चार तो आपको बनानी ही है ठीक है हर वर्ड को भी एब्रीवियट मत कराना कि शौक शौक में मैं तो हर वर्ड को ही कराता हूं नहीं आपको मैक्स मैक्स टू से छह में कर लो दैट्स इट और एक और बात का खास तौर पे ध्यान रखना जिस वर्ड को आप ऊपर एब्रीवियेट कर रहे हो वो पूरे में ही रहेगा फिर ये नहीं है कि आपने ऊपर के एन ओ डब्ल्यू लिख दिया खाली और अब आप नीचे पूरा नॉलेज लिख रहे हो नहीं ठीक है अगर आपने किसी वर्ड को ऊपर एब्रीविएट किया है तो वो पूरा ही फिर एब्रीवियन में ही रखोगे आप उसको इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना ठीक है हाँ अब आगे देखो बेटा क्या हुआ आगे यहां पर लिखा है भाई अनदर डिसएडवांटेज इज दैट टेलीविजन ऑफन एन पीपल टू कम डिससेटिस्फाइड तो अभी सब तो हम डिसएडवांटेज के अंदर ही डाल सकते तो हमने एक अलग वर्ड सोचा इंपैक्ट ठीक है या फिर आप ये भी लिख सकते हो इफेक्ट कि भाई इसका इंपैक्ट क्या होता है टेलीविजन देखने का है ना तो आप लिख दोगे भाई लोग अपनी ही लाइफ से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं तो पूरा लिखने की बजाय आप लिख दो पीपल गेट डिससेटिस्फाइड है ना या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि फील्स फि, लाइफ नॉट वेरी एक्साइटिंग कुछ भी आप लिख सकते हो आप सेंटेंस में से ही छोटा छोटा पार्ट्स यहाँ पे लिख सकते हो ठीक है नेक्स्ट आप यहाँ पर क्या लिख दोगे भाई नेक्स्ट आप ये लिख सकते हो कि टीवी उनको ज्यादा रियल लगने लगता है और खुद की लाइफ उन्हें बोरिंग लगने लगती है राइट right. तो ये देखो हमने दो पॉइंट्स यहीं डाल दिए टीवी मोर रियल लाइफ सेम्स बोरिंग तो टीवी को भी देखा अंडरलाइन है क्योंकि एब्रीविएटेड है और हमें इतनी आदत पड़ी हुई है कि हमें लगता है टीवी तो नॉर्मल है हम रोज टीवी तो बोलते हैं बट वो टेलीविजन है तो ये चीजें बच्चे ना गलत कराते हैं इसके नंबर कटते हैं

बच्चे वॉयेंट हो जाते हैं फोर पॉइंट टू किलिंग नॉर्मल ठीक है।, है तो किसी नोट में आपके पांच पॉइंट हो सकते हैं तक ले जा सकते हो किसी में टू पॉइंट थ्री पॉइंट वन कर दो किसी में फोर पॉइंट टू तक ले जा सकते हो तो वो सारी चीजें आपके ऊपर है बस आपको ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट फोर जैसे कि वन टू थ्री फोर ये तो फोर हो गई आपकी सब हेडिंग्स मेन और एटलीस्ट आपको इस टाइप से भी चार बनाकर आने हैं दैट सेट ठीक है अब जब आप अपना ये कंप्लीट कर लो कोशिश करो इसे एक ही पेज पे करो ठीक है जब आप बेटा इसको कंप्लीट कर लो तो आपको इस प्रकार से कुछ की टू एब्रीविएशन बनाना है अब की टू एब्रीविएशन में जितने भी आपने शॉर्ट फॉर्म यूज करे वो सब आप यहां डालोगे सीक्वेंस में ये नहीं है कि जो लास्ट में शॉर्ट फॉर्म यूज किया उसे सबसे पहले लिख कर आ रहे हो जो सबसे पहले यूज किया उसे सबसे पहले लिखोगे ठीक है तो ऐसा बॉक्स बनाओगे बॉक्स बनाकर आना जरूरी है बहुत बच्चे पूछते मैम बॉक्स जरूरी है क्या डेफिनेटली बच्चों बॉक्स जरूरी है ठीक है हाँ, तो आप मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ बेटा कि कुछ ऐसी होती है जो हमें लगता अभी ये तो है राइट हमें ऐसा फील होता है कि अभी ये तो नॉर्मल है बट ऐसा नहीं है हमें उन चीजों को भी बॉक्स में लिख कर आना ही आना है एट एनी कॉस्ट ठीक है चलो तो ऐसे आप जब बना दोगे अब बारी आएगी बेटा आपकी समरी की अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं ओवर स्मार्ट बनने की यानी कि ओवर स्मार्ट कैसे बनते हैं बेटा वो अरे यार शाम हो गई आज तो दिन का पता भी नहीं चला हाँ जी ओवर स्मार्ट वो कैसे बनते हैं भाई उन्हें लगता है जो हमारे क्वेश्चन पेपर में पैसेज आया ना उसी से हम थोड़ी बहुत लाइंस अपनी चे पाएंगे हमारी समरी हो गई बट बेटा ये गलत है ठीक है एग्जामिनर पागल नहीं है तो आपको ना समरी के लिए अपना क्वेश्चन पेपर देखना ही नहीं है आपको बेटा समरी के लिए केवल अपने ना ये वाले नोट्स देखने हैं

रेफर uh, करना है इन वन पॉइंट कैन बी यूज टू एब्रीविएशन अगर आपको लग रहा है जायज़ है अगर आपको लग रहा है बेमतलब में आप उसको एब्रीविएट कर रहे हो तो फिर मत करो अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ी स्पेलिंग है करना जायज़ है तो आप यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है लिखा है भाई ओल्ड पीपल की मदद होती है एंड पेशेंस इन फॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस तो यही हमें यहां पर भी लिखना है इट हेल्प ओल्ड पीपल एंड पेशेंस इट असिस्ट इन फॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस इंप्रूविंग वो कैबलरी प्रैक्टिस फिर नीचे लिख दिया हमने क्या जो हमारे सेकंड पॉइंटर्स थे कि भाई डिसएडवांटेजेस भी है पीपल वॉच फॉर सिक्स आवर्स स्टूडेंट्स स्टेयर एट स्क्रीन फॉर आवर्स यही सारी चीज आप लिख दो कि वाचिंग टेलीविजन फॉर मोर देन सिक्स आवर्स स्टेयरिंग ऑन स्क्रीन हैज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस देख रहे हो तो केवल नोट्स को ही आपको सेंटेंस में लिखना है बाकी आपको कुछ भी नहीं करना थर्ड पॉइंट क्या है भाई? Exciting, तो यही लिख दो इट अफेक्ट्स द ह्यूमन ब्रेन लीड्स टू पुअर कंसंट्रेशन टेलीविजन मेक लाइफ बोरिंग नथिंग फील एक्साइटिंग पीपल फील डिप्रेस्ड व्हेन दे आर अनेबल टू सॉल्व प्रॉब्लम एज क्विकली एज एक्टर्स नेक्स्ट

इट फॉर योर नोट मेकिंग और समरी में आपको बस इतनी ही लिखनी है ये नहीं है पूरे पैसेज तीन नंबर की समरी है इसमें का material लिख कर हमें नहीं आना है okay? चलो क्लासिफाइड so एडवर्टीजमेंट अब आपके पेपर में बेटा एडवर्टीजमेंट भी आ रहे हैं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे एक बार फटाफट फड़ से बताओ एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे देखो मुझे 200 बच्चे देख रहे हैं मुझे लग रहा है नहीं तो वो बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं और नी तो उन्होंने मेरी क्लास चला के छोड़ दी है अब आप लोग बताओ कि इनमें से कौन सा वाला पॉइंट मेरा सही है नहीं तो आप बच्चे पूरा ध्यान लगा के पढ़ रहे हो और नी तो आपने मतलब क्लास चला के ऐसी छोड़ दी है बस कि भाई नहीं हो पाएगा मैम समरी बेटा जितने आपने पॉइंटर्स बनाए हैं ना वो पूरी चीजें आप अपनी समरी में लिखोगे ठीक है अब तीन नंबर की समरी है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे जज कर सकते हो कि भाई आपको कितनी लिखनी है दस लाइन से ऊपर तो एक सीड मती करना एटलीस्ट है ना इतनी तो आपकी बनी जाएंगी सात आठ लाइन्स चलिए तो अब एडवर्टीजमेंट में भैया आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है इन बात को आप लोग याद कर लो समझ लो कि भाई बहुत तरीके की आपकी एडवर्टीजमेंट होती है और एडवर्टीजमेंट में आप जितने ज्यादा एग्जांपल्स पढ़कर जाओगे दिमाग में बिठाकर जाओगे उतना आपके लिए आसान होगा एडवर्टीजमेंट लिखना सबसे ज्यादा आसान है क्योंकि हमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर एड नहीं करना हमें कोई भी फुल सेंटेंसेस यहाँ पर नहीं बनाने ठीक है नो फुल सेंटेंसेस ठीक no है सिर्फ काम की बात नो no बकवास ओनली काम की बात नो no बकवास जैसे कि सिचुएशन अगर वेकेंट है ठीक है आप हेडिंग लिखते हो ऑब्वियसली सिचुएशन वेकेंट आप कब लिखोगे बेटा बताओ चलो कमेंट अब थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं वैसे तो सामने लिखा भी हुआ है टेस्ट तो क्या ही है बट सिचुएशन वेकेंट आप कब लिखोगे जल्दी जल्दी बताओ यार बेटा यश अगर आपका एडवेंचर भी आ रहा है फिर मैं वो अलग से करा दूंगी क्योंकि बाकी बच्चों का एडवेंचर नहीं आ रहा है मैम आपने एंड को 1.4 में हाईलाइट क्यों नहीं किया कौन सा एंड यार रह गया होगा है 1.4 1.4 है अच्छा ये हाँ इसको कर लेना ना अंडरलाइन क्या दिक्कत है और एंड तो यार ये तो कॉमन है है ना तो इसको हम हर जगह अंडरलाइन ऐसे नहीं कर सकते इसलिए वहां पर उन्होंने एंड को हाईलाइट नहीं करा हुआ है क्योंकि ये कुछ चीजें कॉमन है जो हम अपने राइटिंग में यूज करते हैं बट इंग्लिश में एक्सेप्टेबल नहीं होती है तो ए एंड डी हमें लिखकर आना होता है ये मैंने बताया है आपको ठीक है हाँ, तो अब देखो सिचुएशन वेकेंट हम कब लिखेंगे मान लो भाई मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है जो खाली है मान लो मैं यहाँ पर टीचर रखना चाह रही हूँ और मेरे पास जगह खाली है और मैं अपनी एड निकलवाती हूँ मुझे टीचर्स की जरूरत है सिचुएशन वेकेंट है सिचुएशन खाली है ठीक है सिचुएशन वॉन्टेड want, हम कब लिखेंगे अगर आप जॉब सीकर हो राइट right? जैसे मेरी नौकरी छूट गई थी फिर मुझे जॉब की जरूरत थी है ना तो मैं ऐड डलवा सकती थी कि भाई मेरे को जॉब की जरूरत है मैं ये ये काम कर लेती हूँ व्हाट एम आई डूइंग I'm seeking a job. right? अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो ऑफिस गुड्स बेच रहे हो कोई भी चीज आप बेच रहे हो तो हम लोग हेडिंग देते हैं फॉर सेल टूलेट कब देते हैं हम लोग बहुत सारे मतलब बच, बच्चों ने बचपन में इसको कंफ्यूज किया होगा टॉयलेट के साथ राइट right? बेटा डिटर्मिनल का लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर है प्रियांशु हम्म यस सो टू लेट इज वॉट कि भाई हमें अगर रेंट पे देना है ना आपने देखा होगा टूलेट के बोर्ड्स और हमें लगता था बचपन में टॉयलेट ये क्या है राइट तो इट्स टूलेट यानी कि आपको रेंट पे देना है मान लो घर आपको रेंट पे चढ़ाना है तो आप यहाँ पर बोर्ड लगा सकते हो बालकनी में कि भाई टूलेट है ना यानी कि रेंट के लिए खाली है नेक्स्ट अकोमोडेशन वांटेड अकोमोडेशन वांटेड मतलब अगर आपको घर की रिक्वायरमेंट है है ना आपको कोई चीज किराए पर चाहिए सो so, अगर हमें घर चाहिए तो हम अपने साइड से लिख सकते हैं अकोमोडेशन वांटेड फिर आते हैं मैट्रिमोनियल्स ये आपको पता ही है शादियों के लिए अपन लिखते हैं और फिर आते हैं मिसिंग बाय कोई खो वो जाता है तो अपन मिसिंग हेडिंग डाल देते हैं अब आपको कुछ चीजें हैं जो इसमें फटाक से बेटा जी ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत सिंपल है हमेशा आप इसको बॉक्स में लिखोगे ठीक है हमेशा बॉक्स में पहले लिख लो फिर अपना बॉक्स बना लो या तो पेंसिल से उतना ही बड़ा बॉक्स बना लो ताकि रब करके बॉक्स को छोटा बड़ा कर पाओ पेन से कभी भी बॉक्स मत बनाना कि आपको काटना पड़े एग्जामिनर की नजर में आपकी इमेज गंदी बने क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में सबसे मेन होता है प्रेजेंटेशन कि आप अपने पेपर को प्रेजेंट किस प्रकार से किस तरीके से करके आ रहे हैं ठीक है हाँ

तो वो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं बस आप लोगों से जुड़े रहने के लिए ताकि हम लोगों की फैमिली हमेशा जुड़ी रहे तो प्लीज़ आप लोग यार पूरा दिन मुझे कॉल करना शुरू हो गए हो पूरा दिन मैसेजेस करते हो आपको भी पता है कि मैं आठ आठ दस दस घंटे तो क्लास ही लेती रहती हूँ यहाँ पर तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचो मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ मना नहीं कर रही हूँ कॉल करने के लिए बट प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि यार मैम को दिन में अगर दस मैसेजेस आएंगे तो मैम एक से भी बात नहीं कर पाएगी

और पता नहीं कुछ भी ऐसे कुछ भी डाल देते थे है ना एंजल केम ऑन ऑन दिस दिस अर्थ लाइंस लिख देते थे, राइट तो अभी लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल हो रहे हैं थोड़ा सा अच्छा सा वो बायो लिखते हैं अपना वर्ड्स को केयरफुली चूज करते हैं क्योंकि कम वर्ड्स होते हैं हमारे पास लिखने के लिए अब क्या करना है कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम लोग एडवर्टीजमेंट में नीचे देते हैं जहां पर भी हमें जरूरत होती है क्वेश्चन में दिया होता है ये वाली चीज अब यहां पर कहीं पर भी आपको अपनी पर्सनल डिटेल नहीं लिखनी है शार्प की हुई पेंसिल से आपको बॉक्स बनाकर आना है बॉक्स आपका बहुत ही ज्यादा नीट और क्लीन होना चाहिए अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ एंड ऑब्वियसली सब लोग आपको जो भी एक अच्छा टीचर होगा यही एडवाइस करेगा बेटा कि लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट को प्रैक्टिस करके जाओ यानी कि देख कर जाओ बिकॉज आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमेन परफेक्ट अभी यहां पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि एडवर्टीजमेंट को सीखने का एग्जाम्पल से बेहतर कोई और तरीका है ही नहीं सबसे अच्छी बात एडवर्टीजमेंट में यह है कि आप लोग सेम लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो है ना किसी भी में आप लोग सेम लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो अगर भाई आपको कोई चीज रेंट करनी है आप लैंग्वेज याद कर लेते हो आप सेम लैंग्वेज वहां लिख आ सकते हो सेम ही लैंग्वेज रहती है सिर्फ कुछ कुछ डिटेल्स बीच में चेंज होती है अब यहां पे लिखा है आप हरीश हर्षिता हो ट्वेल्व सेवा नगर पुणे के आपको अपना फ्लैट बेचना है क्योंकि आप दूसरी सिटी में जा रहे हो आप एडवर्टीजमेंट डालो अब यहाँ पे अगर कोई भी फ्लैट बेचना हो आप सेम टेम्पलेट यूज कर सकते हो सेम एग्जैक्ट डिटो लिख कर आ सकते हो राइट तो सबसे पहले आप ये जो फॉर सेलर है इसे बीच में लिखोगे ठीक है अब क्या करोगे भाई फ्लैट बेचना है सबसे पहले बंदा क्या लिखता है सबसे पहले बंदा लिखता है एड्रेस ठीक है ये कुछ चीजें हैं ये ना टैक्टिक्स है इसे दिमाग में बिठाओ कि अगर क्वेश्चन पेपर में कभी भी फॉर सेल आ गया तो सेम चेप के आ सकते हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन है बस बीच की जो तुम्हें थोड़ा इधर उधर करनी पड़ेगी ठीक तो स्मार्टली तुम लोग थोड़ा सा काम करो कि भाई फ्लैट नंबर ट्वेल्व सेवानगर पुणे अब ये क्या है ये एड्रेस हमें दिया हुआ था ये एड्रेस हमें यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है राइट तो अगर क्वेश्चन पेपर में अलग एड्रेस है तो हम पेपर में वो लिख कर आएंगे अब यहाँ पे क्या है अब यहाँ पे इमेजिन करो कि तुम अपना घर बेच रहे हो है ना तो तुम क्या करोगे पहले एड्रेस बताओगे उसके बाद अपने घर के बारे में बताओगे ना या फिर आप ये इमेजिन कर लो कि आप घर ले रहे हो तो आपके क्या क्या सवाल रहेंगे वो आप यहाँ पर बता दो ठीक है सिचुएशन वेकेंट आया था क्वेश्चन था मैनेजर ऑफ टाइटन इंडस्ट्री टू सेल्समैन चाहिए हाँ वही है कि कुछ भी वेकेंट आए अभी हम देखेंगे वेकेंट भी तो सेम टेम्पलेट हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो हमने क्या करा भाई ग्राउंड फ्लोर है ठीक है भाई फ्लोर हमें पता चल गया अब अगर मैं तुम्हें अपने घर के बारे में बताऊंगी तो मैं क्या करूंगी कि भाई 11th फ्लोर है टू बेडरूम है ना? है ना वन किचन है टू बाथरूम है तीन बालकनी है मतलब ऐसे ही बताऊंगी ना आपको छोटे-छोटे पार्ट्स में राइट आ, पार्किंग है और मैं क्या बोल सकती हूं लाइट है पानी है यही सब बताऊंगी ना यही सब इंसान को चाहिए होता है तो वही आपको लिखना है कि भाई ग्राउंड फ्लोर है दो बेडरूम है हैविंग अटैच्ड बाथरूम्स कार पार्किंग अवेलेबल पार्क फेसिंग बेस्ट लोकेशन फ्रेंडली नेबर्स अब हर चीज आप कॉमा डाल के लिखोगे बिकॉज आपको पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं ये नहीं लिखोगे वी हैव फ्रेंडली नेबर्स वो बोलेगा मैं क्या करूं मैं नंबर नहीं दे रहा आई एम नॉट सो फ्रेंडली ठीक है तो ये नहीं करना ठीक है क्लियर सो यहाँ पे यही है फिर ट्वेंटी फोर आवर पावर एंड वॉटर सप्लाई लो मेंटेनेंस चार्जेस रीजनेबल प्राइस फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अपना नाम लिख दोगे मतलब जो क्वेश्चन में दिया है ऑब्वियसली हरीश अर्षिता और कभी भी अपना पर्सनल नंबर मत लिख कराना कुछ भी लिखाना ठीक है तो ये एक आपकी टेम्पलेट है फॉर सेल की कोई भी फॉर सेल का क्वेश्चन आ जाए पेपर में लिखकर आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अंटिल तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में दिया ना हो कि भाई चार बेडरूम है है फलाना तो वो बेडरूमेशन तुम्हें यहाँ पे डालनी पड़ेगी ठीक है सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा के उन्हें रिसेप्शनिस्ट चाहिए अब हमें क्या करना है ठीक है ठीक है? है भाई तो अब बेटा यहाँ पर उन्हें रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम लिखेंगे ना रिक्वायरमेंट वो रिसेप्शनिस्ट के अकॉर्डिंग होगी अब मान लो अगर मुझे एक मैथ्स का टीचर चाहिए है ना तो मैं वो मैथ्स के टीचर वाली रिक्वायरमेंट्स डालूंगी इंग्लिश के टीचर वाली थोड़ी डाल दूंगी तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर इंग्लिश का टीचर चाहिए तो ऑब्वियसली मैं उसको उस हिसाब से लूंगी है ना अगर मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है तो मैं उस हिसाब से लूंगी भाई इसको चीजें आती हैं कि नहीं राइट तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे सिचुएशन वेकेंट क्योंकि हम किसी को जॉब ऑफर कर रहे हैं बीच में लिखना है आपको ठीक है अब आप यही लाइन यूज कर सकते हो रिक्वायर्ड स्मार्ट अब भाई ये सब क्या है ये सब क्वालिटीज है है ना क्वालिटीज तो लिखोगे ना किस हिसाब का आपको रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है मेन बंदों से डील करना है ना तो स्मार्ट तो होना चाहिए बोलना तो आना चाहिए तो ये सारी चीजें आप लिखोगे कहा के लिए चाहिए सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा के लिए चाहिए अब क्यों आए भाई हम तुम्हारे पास ऐसा क्या है तुम्हारे पास सो अट्रैक्टिव सैलरी विथ फ्रेंच बेनिफिट्स हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट फ्रेश ग्रेजुएट्स बहुत सारे स्कूल में सैलरी लिखने के लिए मना भी करते हैं तो तुम अपने टीचर को फॉलो कर लेना उसमें बहुत सारे स्कूल्स में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती फ्रेश ग्रेजुएट्स हैविंग ऑनर्स और इक्विलेंट डिग्री अब डिग्री के बारे में देखो क्वालिफिकेशन के बारे में बताना जरूरी है कि भाई हम तुम्हें क्यों लेंगे है ना तुम पढ़े लिखे तो होने चाहिए तो so, यहाँ पे आपने बता दिया कि भाई इंग्लिश में डिग्री होनी चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं कैसे करेंगे अप्लाई कैसे पहुंचेंगे आप तक तो आप वो जरूर बताओगे कि भाई बाय सेंडिंग देयर सीवी सीवी मतलब कवर लेटर और अपना रिज्यूमे कब तक भेज सकते हो डेडलाइन लिखना जरूरी है तो याद रखना कि भाई हमें क्वालिफिकेशंस बताने हैं हमें डेडलाइन बताना है कि कब तक लिख सकते हो हमें कांटेक्ट डिटेल्स देनी है ताकि वो हमें कांटेक्ट कर पाए तो हमने बोल दिया कि भाई आप मार्च तीस तक हमें दे सकते हो ऑन द बिलो मेंशन आईडी कोई भी आईडी लिख दी एबीसी बी वन टू थ्री अपनी पर्सनल मत लिखना फॉर क्वेरीज कॉन्टैक्ट दिस ठीक है तो ये किसी भी टाइप का सिचुएशन वेकेंट आए तुम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो got it ठीक है बेटा जी अब नेक्स्ट देखो यहां पर एक और देखते हैं लिखा यू आर विक्रम सोनिया एंड आप क्या हो ऑनर्स ग्रेजुएट हो हिस्ट्री में और आपका स्पेशलाइजेशन है मेडिवल इंडिया अब आपको क्या है आपको अच्छे से पता है जो भी हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के प्लेसेस है दिल्ली में आगरा में जयपुर में ठीक है और आप क्या कर रहे हो आप टूरिस्ट गाइड का जॉब ढूंढ रहे हो अब आप जॉब ढूंढ रहे हो आप जॉब सी कर रहे हो राइट तो आपने यहां पर नंबर भी डाल दिया है तो अभी आप क्या करोगे यहां पे जब हम जॉब सीख कर रहे तो हम क्या करेंगे सिचुएशन वांटेड है ना इसको बीच में लिखेंगे अभी बताया था ना अगर हमें जॉब की जरूरत है बेटा तो हम क्या लिखेंगे सिचुएशन वांटेड लिखेंगे ठीक है तो अब हमने क्या करा देखो अब जो भी क्वेश्चन पेपर में आपकी सबसे पहले आप हैबिट डाल लो जो भी क्वेश्चन पेपर में आपकी क्वालिफिकेशन लिखी है ना ठीक है आपको वो लिखोगे आप अब यहां पर क्वेश्चन पेपर में हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या थी भाई हमारे पास था कि ऑनर्स ग्रेजुएट है बंदा हमारा हिस्ट्री में तो हमने लिख दिया बी ए ऑनर्स हिस्ट्री टॉपर फिर अपना नाम लिख दिया विक्रम सोनिया विद स्पेशलाइजेशन इन मेडिवल इंडिया तो यहाँ तक तो सेम है यहाँ तक तो क्वेश्चन से लिखोगे अब आगे आप अपने से जोड़ सकते हो कि इज लुकिंग फॉर द जॉब अब कौन सी जॉब चाहिए ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास गिवन है कि भाई उसको टूरिस्ट गाइड की जॉब चाहिए ठीक है तो ये टेम्पलेट तुम लोग याद कर लो अब यहां पर गिवेन है एज 22 एफिलेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही भाषा उसे अच्छे से आती है और उसे अच्छे से वेल एकड विद द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट ये भी क्वेश्चन में था कि भाई उसे बहुत सारे हिस्टोरिकल इंटरेस्ट जहाँ पर हो सकता है वो जगह पता है दिल्ली में आगरा में जयपुर में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके पास है ना पर करना क्या होता है इन स्किल्स को क्या बोलते हैं किसी को कन्विंस करना आपको टूरिस्ट गाइड क्यों चाहिए होगा कन्विंसिंग स्किल्स तो चाहिए तो वो भी है उसके पास चार्मिंग पर्सनालिटी है एक्सपेक्टेड सैलरी लिख दी कि भाई इतने पैसे चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए ई मेल आई डी डाल दी ठीक है तो गिनती की हमें कुछ ही चीजें लिखनी है इनके एक पॉइंटर्स बना लो वुड बी इजी नहीं भी बना सकते पॉइंटर्स तो केयरफुली एक्टिवली रीड कर लो ताकि पेपर में आपके दिमाग में रहे ठीक है बेटा अवेलेबल करके आप नहीं कर सकते ना अवेलेबल मतलब फिर वो गलत साउंड कर रहा है है ना कोई जॉब अवेलेबल थोड़ी है यहाँ पर ठीक है यहाँ पे हमें जॉब की जरूरत है ऑल अब एक लास्ट हम देख लेते हैं कि अजय अरोड़ा है वो क्या चाह रहे हैं भाई टूलेट यानी कि किराए पे देना चाह रहे हैं अपना जो घर है ठीक है ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन द टूलेट कॉलम अब कभी भी टूलेट से रिगार्डिंग आए तो वही जो आप सेल में इस्तेमाल करते हो ना वही आपको यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लेना है बस डिफरेंस इतना होगा यहाँ पे टूलेट आएगा लिखा हुआ बाकी कोई दिक्कत नहीं है बाकी जो आप चीज़ें सेल्स में यूज़ करते हो वही आप यहाँ पे भी कर लेना ठीक है अभी एक मिनट देना मैं घर की लाइट ऑन कर दूँ डर लग रहा है Right. चलो ठीक है हाँ अब यहां पर देखो हमने सबसे पहले क्या करा बेटा जी हेडिंग दे दी टाइटल दे दिया हमारा टू लेट ठीक है अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम डिटेल देंगे सारी डिटेल देंगे प्रॉपर्टी की अगर हमारे पास कोई फैसिलिटी है तो हम वो भी बता देंगे तो हमने यहाँ पर लिख दिया ठीक है अवेलेबल फॉर रेंट आ न्यूली कंस्ट्रक्टेड अभी अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है फुली फर्निश्ड थ्री बी एच के फ्लैट कहाँ पर जी सी ग्रैंड इंदिरापुरम ये क्या करा मैंने नंबर वन डिटेल दे दी है ना एड्रेस तो दोगे ना कि भाई अभी अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है कितने बी एच के है और कहाँ है ये सबसे पहले बताना जरूरी होता है ठीक है अब देखो सेंट्रली लोकेटेड विद ऑल द एक्सक्लूसिव सच क्लब सब सारी फैसिलिटी बता दोगे जितना तुम्हारे दिमाग में आ रहा है स्विमिंग पूल है क्लब हाउस है फलाना है सब सो क्लब हाउस है पार्किंग है 24/7 पावर बैकअप है हाईली सिक्योर्ड है शॉपिंग मॉल मेट्रो स्टेशन स्कूल बैंक सब एक किलोमीटर के दायरे पे है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी टूलेट लिखो तो ये वाली चिपका देना ठीक है अब ओनली जेन्युइन बायर्स मे कॉन्टैक्ट अजय अरोड़ा और यहां पर अपना नंबर ठीक है बेटा जी गॉट इट और नो बता दो यार जल्दी जल्दी समझ में एडवर्टीजमेंट लिखा हो गए कोई दिक्कत तो नहीं है पेपर में एडवर्टीजमेंट लिखने में छोटू सा एडवर्टीजमेंट है बॉक्स में लिख कर आना है सारे एडवर्टीजमेंट सेम तरीके से लिखे जाते हैं बेसिक डिटेल को चेंज करके तो ऐसा नहीं है कि पेपर में बैठ के सोचना पड़ेगा अगर आपने कुछ भी पढ़ रखा है तो ठीक है बेटा शुभम पात्रा आपका पेपर हो गया तो बेटा दूसरों का भी होने दो थो, थोड़ा पढ़ लेने दो उन्हें ऑल राइट अब देखो नेक्स्ट पोस्टर मेकिंग ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं भैया पोस्टर कैसे बनाना है अब बच्चों ये जो हमारा टॉपिक है ना एडवर्टीजमेंट और पोस्टर ये इतने आसान है कि इसमें हमें दिमाग लगाना ही नहीं ठीक है स्पीच और डिबेट में एक बार को मान सकती हूँ कि भाई हमें दिमाग लगाना है जिसके लिए मैं बच्चों को सजेस्ट भी करती हूँ कि तुम ढेर सारे एग्जाम्पल पढ़ के जाओ बट ये जो हमारा पोस्टर मेकिंग है ना इसमें हमें कोई दिमाग नहीं लगाना ठीक है इसमें सिर्फ हमारी क्रिएटिविटी लगानी है जो कि हमारे पास नहीं है तो इसलिए बेटा क्रिएटिविटी हमें पहले से ही सीख के जानी पड़ेगी अब आपको पता है कि पोस्टर हम लोग क्यों बनाते हैं देखो कोई भी हमें सोशल मैसेज स्प्रेड करना होता है तो हम लोग पोस्टर बनाते हैं राइट कोई भी हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है द जनरल पब्लिक, तो हम लोग पोस्टर बनाते हैं तो पोस्टर ना आपका थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट भी होता है थोड़ा सा नोटिस भी होता है तो ये मान लो कि पार्ट टाइम नोटिस और पार्ट टाइम एडवर्टीजमेंट का रोल निभाता है आपका पोस्टर ठीक है गाइस हाँ अब यहां पर भी हमें क्या करना है यहां पर हमें पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने जैसे हम एडवर्टीजमेंट में कर रहे थे ना कि पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं वैसे बेटा हमें यहां पर भी पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने ये बहुत ही आई कैचिंग होने चाहिए बिल्कुल एडवर्टीजमेंट की तरह ठीक है एंड इसमें कोई स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल पैटर्न नहीं है कोई ग्रामेटिकल एरर हो नहीं हो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है एंड बहुत सारा जोर यानी कि बहुत सारा अटेंशन विजुअल कैसा है उसको दिया जाता है कि देखने में आपका पोस्टर कैसा है ठीक है तो इसमें ये नहीं है कि आपकी ड्रॉइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए नहीं अभी मैं आपको बताऊंगी आपको आ जाएगा तो ड्रॉइंग ड्रॉइंग से इसमें कोई लेना देना नहीं है आपको बस ये ध्यान दो एक कैची टाइटल होना चाहिए एक अच्छा सा टाइटल कुछ इसकी स्लोगन याद कर लो अभी मैं तुम्हें स्लोगन दे भी दूंगी तुम वो याद करके चले आना पेपर में एटलीस्ट दो तीन तो याद कर ही लेना ठीक है सो तो दो तीन तो याद कर ही लेना स्मॉल स्मॉल वर्सेज एंड समटाइम्स अ विजुअल अप्रोप्रिएट टू थीम होना चाहिए अब ये बनेगा कैसे इसको देख लेते हैं बट उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है देखो अगर आप कोई भी इवेंट रिलेटेड पोस्टर बना रहे हो मान लो कि मैंने दुकान खोली है ठीक है और उसका उद्घाटन है तो उद्घाटन क्या एक तरीके से इवेंट ही तो है राइट और रॉन्ग इवेंट है कि नहीं है जल्दी बताओ इवेंट है ना हाँ तो इवेंट वालों में आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई उद्घाटन की डेट क्या है टाइम कहाँ क्या है कितने बजे है है ना कहाँ पर आपको आना है किस चीज के लिए है तो ये सारी चीजें आपको मेंशन होनी चाहिए मान लो आप लोग मुझे घर पे इनवाइट कर रहे हो ना आपका कोई इवेंट है तो आप मुझे बताओगे ना बताओगे ना जैसे जहाँ पे मैं पहले पढ़ाती थी वहां पर हमने एक इवेंट रखा था मीटअप तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी ना कि कहाँ आना है कितने बजे आना है किस खुशी में इवेंट है क्या क्या होगा तो वो सारी चीजें आपको पोस्टर में अपने डालनी पड़ती हैं ठीक है अब लेटर्स का साइज आपके ऊपर है आप छोटा रखो बोल्ड रखो अकॉर्डिंग टू द इम्पॉर्टेंस जो बहुत इन्फॉर्मेशन जरूरी है उसे बोल्ड कर दो बाकी को छोटा कर दो ठीक है अब कोई जरूरी नहीं है कि आप वो, आपको मतलब आर्टिस्ट होना है पोस्टर बनाने के लिए आपको बहुत अच्छी ड्राइंग आनी चाहिए ऐसा बेटा जी कुछ भी नहीं है एक छोटा सा कार्टून भी चल जाएगा है ना जैसे मान लो अगर Water के ऊपर है तो छोटा सा नल बना दो अगर ट्रीज के ऊपर है तो छोटा सा को टेस्ट नहीं करना, आपका दिमाग कितना चल सकता है ऑल राइट right, अब पोस्टर क्या है बहुत ही आपका, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए ताकि आपके एग्जामिनर की चली जाए। अगर आप पोस्टर में अपनी कटिंग कुटिंग कर, कर आओगे ना तो बेटा ना तो वो आपके पढ़ने लायक रहेगा ना ही आपके एग्जामिनर के पढ़ने लायक रहेगा ठीक है अब यहां पर आप लोग ध्यान दो अगर इवेंट वाला पोस्टर है बेटा तो वो हम बनाएंगे कैसे ठीक है तो सबसे ऊपर ऊपर आ जाएगा आपका नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी ठीक है उसके बहुत बहुत बार ये लोग ये लोग नीचे भी डाल देते हैं बहुत सारे स्कूल में उसके बाद आ जाएगी आपकी टैगलाइन ठीक है कोई भी एक कोट लिख दो कोई भी अच्छी सी टैगलाइन लिख दो ठीक है अभी मैं आपको दे भी दूंगी कोट्स जैसे कि मैंने आपको बताया अब नेम क्या है आपके इवेंट का कोई एग्जीबिशन है वर्कशॉप है आपको क्वेश्चन में गिवन होगा

देखने में विजुअल अपील उसकी अच्छी होनी चाहिए कुछ भी पूरे सेंटेंसेस में बस हमको नहीं लिखना है Is it clear, everyone? अब जो भी स्पैम करेगा बेटा वो सीधा ब्लॉक होगा अब ना मेरे पेशेंस लूज हो गए हैं ठीक है, है? चलो तो अभी हमें क्या करना है अब लास्ट में हम क्या करेंगे इवेंट टाइप में कि भाई कब है है ना तो इस साइड में आप अपना डेट और टाइम बता सकते हो कि ये इवेंट आपका कब है और कहाँ है ठीक है वेन्यू क्या है डेट क्या है टाइम क्या है अगर कोई एंट्री फीस है तो आप वो भी बता सकते हो या फिर अगर बाकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हो लास्ट में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है इवेंट्स के लिए इसे दिमाग में रखना अब यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी क्या होता है यानी कि यही सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये होती क्या है अगर किसी को नहीं पता तो इशूइंग अथॉरिटी बेटा जी आपका क्या होता है कि भाई कौन है कौन है जो ये इशू करा रहा है है ना जैसे अगर लोगों के लिए होता है तो हम बोल देते हैं इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट राइट ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं टैगलाइन मतलब हम लोग क्या लिखते हैं कोई भी कैची सी टैगलाइन हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके लिख देते हैं ना ये सब क्या है ये सब टैगलाइंस है उसके बाद टाइटल आप लिख सकते हो स्पेशल अट्रैक्शन ऑप्शनल होता है जैसे अगर कोई इवेंट है तो गेस्ट स्पीकर कौन है आपको गिफ्ट मिलेंगे कि नहीं राइट तो ये सारी चीजें ऑप्शनल है आपका मन करे तो आप कर देना वरना कोई बात नहीं अब इलस्ट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया कि आप ऐसे करके बना सकते हो अगर ब्लड डोनेशन कैंप है तो आप एक ब्लड की ड्रॉप बना सकते हो तो ये छोटी छोटी, छोटी चीजें आप लोग लिख सकते हो डीटीवी लिखना जरूरी है डीटीवी इज योर डेट टाइम वेन्यू जैसे आप लोग नोटिस में लिखते हो ना बिल्कुल वैसे ही ठीक है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको लिखना जरूरी है और बाकी अगर कोई क्वेश्चन पेपर में और कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी लिखोगे अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे एंड डोंट्स देख लेते हैं पचास वर्ड इसकी वर्ड लिमिट है यानी कि एडवर्टीजमेंट जितना हमें लिखना है हमें इस इसपे दस मिनट से ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना दस मिनट भी मैं बहुत बोल रही हूँ बेटा पांच से सात मिनट में आपका पोस्टर बन जाएगा ठीक है पोस्टर को हमेशा आप लोग बॉक्स में डालोगे ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का इसमें कोई लेना देना नहीं है बट आप फिर भी अपनी स्पेलिंग्स चेक कर लोगे स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए उसके नंबर होते हैं जितने प्रीवियस ईयर यानी कि जितने भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर पाओ गुड फॉर यू ओनली अब क्या है एक ही पेज में ऐसा नहीं आधा पेस्टर आधा पोस्टर सॉरी यहां बना रहे हो आधा पोस्टर तुम लोग अपने अलग पेज पे बना रहे हो ऐसा नहीं चलेगा शार्प पेंसिल का यूज करना बहुत सारे बच्चे आलस के मारे होते हैं और उसी पेंसिल से लिखाते हैं तो ऐसा नहीं करना बेटा किसी भी चीज को आप ड्रॉ कर रहे हो बहुत साफ होना चाहिए और शार्पन पेंसिल का यूज करना है जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे अंडरलाइन कर दो या बोल्ड कर दो डोंट्स क्या है शॉर्ट फॉर्म या स्लैंग्स का यूज आपको नहीं करना है यहां पर ये नोट मेकिंग नहीं है कि आप किसी भी चीज को एब्रीविएट कर दो सो मेक श्योर कि आप यहां पे शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल बेटा जी मत करो टाइम आ गया है बेटा जी देखने का कि हम कैसे कर सकते हैं देखो लिखा है यू आर दी डायरेक्टर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जयपुर आपको क्या करना है जितने भी राजस्थान स्टेट के लोग हैं अब आपको पता है कि वो वाला साइड ऐसा है जहां पर हमें पानी की कमी रहती है राइट और रॉन्ग रॉन्ग राइट और मैम क्लास कब खत्म होगी बेटा जब सिलेबस खत्म होगा सीधी सी बात है ना तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पानी की कमी रहती है ठीक है अब आपको क्या करना है लोगों को बताना है कि भाई कैसे आप पानी को कंजर्व करो है ना एंड मतलब पानी को हमें बचा के रखना जरूरी है इस बात पे बेटा हमें पोस्टर बनाना है तो सबसे ऊपर हम क्या कर देंगे कैची सा टाइटल दे दो जैसे कि सेव वॉटर सेव लाइफ ये क्या हो गया हमारा कैची टाइटल हो गया ठीक है कैची सा टाइटल दे दिया सेव वाटर सेव लाइफ सिंपल अब यहां पे क्या करा हमने कोई भी स्लोगन लिख दो अभी मैं तुम्हें स्लोगन दूंगी भी बार बार बोल रही हूं ताकि तुम याद कर लो अरे यार होने ही चाहिए तुम्हें दो चार याद तो जैसे वाटर पे आया तो ये लिखाना वाटर इज एसेंस ऑफ लाइफ इसको याद कर लो दो मिनट लगेंगे याद करने में कोई भी पेपर में तुम्हारे वाटर से रिलेटेड पोस्टर मेकिंग आ रहा है लिखाना वाटर इज दी एसेंस ऑफ लाइफ बस क्या दिक्कत है, फ्री के पैसे है मतलब फ्री के तुम्हारे नंबर है अब क्या करा हमने स्लोगन भी लिख दिया भाई हमने टाइटल भी लिख दिया अब हम क्या लिख सकते हैं अब हम लिख सकते हैं कोई डराने वाली चीज कि वाटर लेवल गोइंग लो डेंजरसली बाय राइट अब हमें करना क्या है हम जब लिखेंगे डराएंगे तभी तो बंदा उस चीज को फॉलो करेगा राइट right? वरना तो बंदे उसको फॉलो ही नहीं करेंगे अब हमने क्या करा साइड में ये पानी की एक ड्रॉप बना दी ज्यादा कुछ नहीं किया हमने क्या करा पानी की एक ड्रॉप बना दी हमारा विजुअल बना दिया अब हमने लिखा अप्लाई क्या करना चाहिए भाई उनको है ना यहां पर लिखा था ना कि पानी कैसे कंजर्व करना है तो पानी कंजर्व करने का एक तरीका यही है कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना तो हमने यहां पर अपने दिमाग से लिख दिया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब आप देख रहे हो अप्लाई छोटा लिखा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का साइज हमने बड़ा कर दिया अब यहां पर हमने क्या करा बेटा जी तीन पॉइंटर्स बना दिए पॉइंटर्स बनाना जरूरी है अच्छे लगते हैं देखने में है ना डोंट लेट रेन वाटर रन वेस्ट नॉर्मल नॉर्मल इसे कोई याद नहीं करना ये सिर्फ बेसिक ज्ञान है कि भाई बारिश के पानी को जाया मत जाने दो प्रिजर्व टैंक उसे सेव करो, गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर द कमिंग जनरेशन ये लाइन तुम्हें पता है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं राइट right? अब जब हमने ये सब कर दिया हो गया तो नीचे हमने क्या लिख दिया भाई इशूड बाय किसने इशूड करा है नेशनल एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जयपुर या राजस्थान क्लियर सिंपल सी चीज है ओके okay. अब अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊं जैसे मान लो क्रैकर फ्री दिवाली पे अपने को बनाना है ठीक है क्या करना है क्रैकर फ्री दिवाली पे हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले बेटा हम हेडिंग दे, दे देंगे क्रैकर फ्री दिवाली इज इक्वल टू सेफ एंड हैप्पी दिवाली ठीक अब हमने क्या करा यहां पर एक विजुअल दे दिया अगर आप ये भी नहीं दे सकते तो आप कुछ भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब हमने क्या कर दिया भाई यहाँ पर हमने बेनिफिट्स लिख दिए हम इसको और भी बहुत अच्छा बना सकते थे है ना हम इसको क्या कर सकते थे और भी बहुत अच्छा बना सकते थे यहाँ पर हम कुछ ऐसे कर सकते थे लिख सकते थे उसके बीच में यू you नो know, किसी कलर से कि भाई से नो टू क्रैकर्स राइट फिर हम यहाँ पर ऐसे पॉइंटर्स बना सकते थे कि सेव एनिमल्स ऐसे कुछ तो जितनी भी चीजें आपके दिमाग में आए राइट right, हम लिख सकते थे से नो टू साउंड एंड एयर पॉल्यूशन राइट उसके बाद हम यहाँ पर नीचे लिख सकते थे सेफ तो मतलब ये जितने भी पॉइंटर्स तुम दिख रहे हो ना उसे हम और अच्छे से लिख सकते थे कि दो को मैंने यहां पर मान लो एक सर्कल बना दिया एक को यहाँ लिख दिया कुछ को मैंने ऐसे पॉइंटर्स में लिख दिया कुछ को मैंने ऐसे करके एक ड्रॉइंग बना दी उसके अंदर लिख दिया सो द पॉइंट इज अगर हमें ड्राइंग बनानी नहीं भी आती तो भी हम ये छोटे छोटी सी चीजें करके अपने पोस्टर को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं ठीक है समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं आ रहा समझ में अब देखो बुक्स के ऊपर है जैसे ठीक है तो हमने क्या करा बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स एन फ्रैंक वाला चैप्टर याद है ना क्लास दसवीं का याद है कि नहीं है ना तो एन फ्रैंक क्या करती थी बुक को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी किटी मानती थी राइट तो हमने भी यही करा कि भाई बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स ठीक है अब हमने क्या करा बीच में एक बुक बना दी अब साइड में हमने यहां पर लिख दिया बुक्स इनफॉर्म इंस्ट्रक्ट डिलाइट एंड कुछ भी लिख सकते हो है ना एन फ्रैंक से ही चेप के लिख सकते हो यहाँ पर भी लिख सकते हो बेस्ट फ्रेंड शेयर सीक्रेट यहाँ पे लिख सकते हो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल उसी की लाइन को चेप सकते हो समझ रहे हो तो जितनी भी चीजें दिमाग में कैसे भी लिख सकते हो यही लाइन पेपर हैज मोर पेशेंस वाली या सर्कल बना के भी लिख सकते हो ऐसे

लास्ट देख लेते हैं हम लोग ट्रीज के ऊपर ठीक है अगर ट्रीज के ऊपर आए तो आप ऑब्वियसली ऐसे हगर ट्री करके बनाकर आ सकते हो ये भी नहीं आपको करना तो हगर ट्री आप हेडिंग दे सकते हो अपनी और एक नॉर्मल पेड़ बनाकर आ सकते हो राइट right? तो हमने क्या लिखा ट्रीज नीड हेल्प फिर हमने दो पॉइंटर्स बना दिए ट्रीज आर आर बेस्ट फ्रेंड ऑल पार्ट ऑफ ट्रीज आर यूजफुल डू नॉट कट ट्रीज ट्रीज कीप द एनवायरमेंट क्लीन गिव्स अस ऑक्सीजन यूज रिसाइकल्ड पेपर मतलब बेसिकली अपने को कुछ नहीं करना है बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ मेक सम सॉर्ट ऑफ ड्राॅइंग मेक सम स्क्वायर सम सर्कल्स सम दिस टाइप ऑफ ड्राॅइंग और एनी शेप दैट यू लाइक मेक पॉइंटर्स मेक अ विजुअल कोई भी एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर पोस्टर ठीक है किसी को कोई डाउट है तो पूछो ये तब तक नहीं होगा जब तक आप बनाओगे नहीं आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सिंपल है और जो बनाकर ही आती है मैंने मेरे को अभी तक मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे को ऐसे दिमाग में आ रहे हैं विजुअल्स कि मेरे खुद के पेपर में मैं कैसे बनाकर आती थी राइट ऑल राइट अब ये कुछ स्लोगन्स हैं जो आप लोग याद कर सकते हो ठीक है ये एजुकेशन से रिलेटेड है ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है तो ये कुछ स्लोगन्स है आपको मिली जाएगी ये पीपीटी और टेलीग्राम पे दे दूंगी मैं तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर लेना ये आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है इनमें से एक दो भी याद कर लेते हो अरे एक भी याद कर लेते हो ना तो तुम लिखाओगे तुम्हें स्लोगन्स ढूंढने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये याद कर लेना एजुकेटेड माइंड इज बेटर देन एम्प्टी वन कोई भी एक एक याद कर लो यार दोनों में से ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना तो ट्री वगैरह से रिलेटेड आए तो इन सब में से कुछ भी लिखा ना वहाँ पे स्लोगन उठा के यही एक दो याद कर लोगे तो पॉइंटर्स में यही लिखा होगा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हाँ ये पेन से ही बनाना है बेटा बट पेन बहुत मतलब केयरफुली यूज करना अपना ये नहीं है कि कटिंग पिटिंग कर दी फिर उससे दिखने में गंदा लगेगा ठीक है ये तुम्हारा अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे आता है तो तुम लिख सकते हो वन गर्ल विद करेज इज रेवल्यूशन लिटिल गर्ल विद ड्रीम्स बिकम वुमेन विद विजन तो ये सब मैं दे दूंगी एक एक स्लोगन भी याद कर लोगे तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी क्लियर एवरी वन किसी को रेस्ट तो नहीं चाहिए दो ही टॉपिक बचे हमारी स्पीच राइटिंग और डिबेट राइटिंग उसके बाद थोड़ा सा ग्रामर कराऊंगी एंड दैट्स इट ग्रामर की क्लास मैंने और रीऑर्डरिंग की अभी ली है दो दिन पहले राइट right, तो आज मैं तुम्हें गैप ठीक है चलो तुम लोग भी पानी पी लो मैं भी पानी पी लेती हूँ और फिर हम लोग शुरू करते हैं बेटा हमारा स्पीच राइटिंग कुछ है नहीं स्पीच राइटिंग में मैं तुम्हें वो दे दूंगी लाइंस उन्हीं लाइंस को तुम एग्जैक्ट लिख कर आ सकते हो अपने पेपर में ठीक है हाँ बेटा वही नाम है अखनेतिन चलो बड़े आगे अबे यार इतने दो घंटे में ब्रेक की जरूरत पड़ गई क्या टेंथ क्लास में याद नहीं है तुम्हें छः घंटे क्लास चली थी चार घंटे के बाद ब्रेक दिया था मैंने तुम्हें अरे तुम्हें अभी से ब्रेक चाहिए तो कैसे चलेगा बताओ

जल्दी जल्दी बता दो भाई हां जी किसी ने सुना है सुना है ना तो बस वही करना है देखो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए परफेक्ट स्पीच हमें लिखकर आना है पेपर में बेटा ताकि अपने को पूरे नंबर मिल पाए और परफेक्ट स्पीच हम लोग कैसे लिखेंगे देखो सबसे पहले होनी चाहिए बेटा अपने पे हेडिंग ठीक है हेडिंग आपकी कैची होनी चाहिए और पांच छह वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हेडिंग आपको क्वेश्चन पेपर से डेफिनेटली मिलेगी आप जितना क्रिएटिव चाहो नहीं, नहीं दे सकते अब क्या करना है ओपनिंग लाइन ओपनिंग लाइन में क्या होना चाहिए सैल्यूटेशन अभी मैं ये लाइन आपको दे दूंगी आप एग्जैक्ट अपने पेपर में लिख कर आ सकते हो आपके नंबर नहीं कटेंगे ठीक है So, एक ओपनिंग लाइन होती है आपको कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल्स मेंशन नहीं करनी है इस बात का ध्यान रखना अब ओपनिंग लाइंस आप लोग ये लिखकर आ सकते हो कैसे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स टुडे आई जो भी आपको क्वेश्चन में नाम दिया है स्टैंड बिफोर यू ऑल टू स्पीक ऑन द टॉपिक जो भी आपको टॉपिक क्वेश्चन में दिया है तो ये लाइन आप अपने हर क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है या फिर आप एक कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो जैसे मैंने आपको इतने सारे कोट्स दिए ना ऊपर आपने देखा ही होगा कि मैंने आपको पोस्टर मेकिंग में इतने सारे कोट्स दिए राइट और रॉन्ग तो आप उन कोट्स का इस्तेमाल स्पीच में भी कर सकते हो और एक कोट लिखकर फिर आप शुरू कर सकते हो अपनी अपनी स्पीच को लिखना अब बेटा जब आप अपनी ये लाइंस लिख दोगे तो उसके बाद आती है आपकी मेन बॉडी ठीक है अब मेन बॉडी के लिए आपको क्या करना है जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे और फिर आप बताओगे भाई करंट सिचुएशन मान लो अगर इंटरनेट के ऊपर लिखना है ठीक है तो आप सबसे पहले बताओगे भाई इंटरनेट चीज़ क्या है फिर आप उसकी करंट सिचुएशन बताओगे प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं यही सारी चीज़ें तो हम लोग मेंशन करते हैं अगर आपको स्कूल का प्रोजेक्ट मिलता है राइट तो आप क्या लिखते हो अभी हमने टेलीविजन के ऊपर नोट मेकिंग करा हमने क्या करा कि टेलीविज़न क्या है टेलीविज़न के एडवांटेजेस क्या हैं टेलीविज़न के डिसएडवांटेजेस क्या हैं है 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 ना वो कैसे अफेक्ट कर रहा है तो यही सारी चीज़ें हमें स्पीच में भी लिखनी होती है, तो सेम आप एडवांटेजेस लिख सकते हो disadvantages लिख सकते हो depending upon your topic. अब यहां पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक सीक्वेंस फॉलो करो मैंने आप बच्चों को पहले भी बताया जब भी आप स्पीच और डिबेट लिखोगे दोनों के लिए मैं आपको ये इंस्ट्रक्शंस दे रही हूं कि ऐसा बहुत बार होगा कि नहीं तो आपके पास कुछ टॉपिक को आपको देख के लगेगा अरे मुझे तो बहुत सारा आता है या फिर बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी टॉपिक को देख के लगे अरे मुझे इस टॉपिक के बारे में तो बहुत कम आता है दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है अपने आंसर शीट पे साइड में लाइन खींचनी है पॉइंटर्स बनाने हैं ठीक है इसे बोलते हैं कीवर्ड टेक्निक यानी कि आपको या पूरे पूरे सेंटेंसेज नहीं लिखने जो आपको आता है उन सेंटेंसेज से रिलेटेड कोई भी की कोई भी एक वर्ड या दो वर्ड लिख लेने हैं ताकि आपको याद रहे आपके दिमाग में क्या पॉइंटर्स हैं अब अगर आपके पास बहुत ही कम पॉइंटर्स हैं तो आप पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आप शुरू करो जो वीक पॉइंट है उसे बीच में डालो और लास्ट में अपना फिर से स्ट्रॉन्ग पॉइंट डालो लेट्स से आपके पास तीन ही टॉपिक है तो कोशिश करो एटलीस्ट सेकेंड पैराग्राफ में दो दो लाइन तो एक एक टॉपिक पे लिख दो मतलब उसे हमें खींचना पड़ेगा आग. अगर हमारे पास बहुत ज्यादा टॉपिक है किसी क्वेश्चन को देख के हमें लगता है इस टॉपिक के बारे में तो मुझे बहुत सारा पता है तो आप अपने कीवर्ड्स लिखो और फिर उसे प्रायोरिटाइज करो कि नंबर वन पे मैं ये लिखूंगा नंबर टू पे ये नंबर थ्री पे ये वरना ये हो जाता है कि बच्चे लिखाते हैं और फिर उन्हें बाद में याद आता है अरे मैं ये भी लिख देता ये भी लिख देता तो वो बहुत ही ज्यादा मेस क्रिएट कराते हैं तो इस टेक्निक से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी ठीक है अब आपको जो वर्ड लिमिट है उसी में लिखना है ज्यादा टाइम अपना टोटली totally डिवोट नहीं करना एंड हमेशा जैसे कि मैंने आपको बताया आपको एस डब्ल्यू एस फॉलो करना है मैम ये एस डब्ल्यू एस क्या है एस डब्ल्यू एस है कि एग्जामिनर की नजर ना शुरू में जाती है एंड में जाती है और बीच में वो ऊपर ऊपर से पढ़ता है क्योंकि उस पर बहुत कॉपीज होती है मतलब ये तुम्हें लगेगा मैम हमें क्या बता रही है देखो ये मैं तब बता रही हूँ जब तुम्हें ना आता हो तो तुम्हें ऊपर क्या लिखना है स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबसे नीचे कंक्लूड करते हुए भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट और जितने भी वीक पॉइंट है ना जितने जिनमें इतना दम नहीं है उन्हें बीच में लिखाना बट बीच में गाना नहीं लिख कर आना कि बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक डेविएट हो जाओ ठीक है वो पागल नहीं है तो यहाँ पर क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट फिर लास्ट में स्ट्रॉन्ग पॉइंट और बीच बीच में जो भी अपने वीक पॉइंट है एक दो लाइन अपनी वहां डाल देना ठीक है चलो अब क्या हुआ आप अपना पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हो बट ऐसा नहीं है कि आप लिखते लिखते टॉपिक से ही डिविएट हो गए है ना आप मान लो इंटरनेट पे लिख रहे हो और इंटरनेट से आप अपने घर पे ले आए कि भाई मेरी मम्मी तो मुझे इंटरनेट यूज नहीं करने देती फलाना फलूना तो इतना बेटा आपको बहना नहीं है टॉपिक के अंदर ठीक है गॉट इट अब जब आप भी कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखोगे तो आपको हमेशा मैंशन करने हैं स्टेप्स कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए अब ये जितनी भी बातें मैंने बोली इसे हम लोग थ्रू एग्जाम्पल समझेंगे वरना ऑब्वियसली इसको करने का कोई पॉइंट हमारा नहीं बचेगा देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि एज मुकुल या महिमा ऑफ एल्प पब्लिक स्कूल आप एक स्पीच लिखो टू बी डिलीवर्ड इन द स्कूल असेंबली ठीक है स्पीच आपको लिखनी है जैसे मैं जब स्कूल जाती थी सो हमें भी मैंने भी बहुत बार माइक पे खड़े होकर स्पीच दी है ना हम पहले लिख कर लेकर जाते थे घर से ट्यूशन वाली की मदद से और फिर अपना लिख मतलब वहाँ पर बोलाते थे बेसिकली so स्पीच जब भी आप दो सो so यहाँ पर क्या लिखा है कि स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द स्कूल असेंबली हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लैनलीनेस कि भाई सफाई की क्या इंपॉर्टेंस है सजेस्टिंग दैट द स्टेट ऑफ क्लैनलीनेस रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ इट सिटीजन जैसे मैं आपके घर आ रही हूँ अगर आपका घर गंदा है तो मेरे पे क्या ही इंपेक्ट पड़ेगा राइट बिल्कुल वैसे ही हम जिस स्टेट में रहते हैं अगर हमारा शहर गंदा है तो उसके सिटीजन वहां पे मतलब कैसे ही रह रहे होंगे वो चीज को रिफ्लेक्ट करता है राइट right, तो हमें इसके ऊपर एक स्पीच लिखनी है अब आप क्या करोगे सबसे पहले टॉपिक लिखोगे ठीक है सबसे पहले क्या लिखोगे पेपर में टॉपिक नहीं नहीं बिल्लो बग्गे बिल्लियां बिल्ञा की करेगी नहीं लिखना पेपर में वाह कह रहे बीच में बिल्लो बग्गे बग्घे बिल्दा कराएंगे बेटा आज तक उसे नहीं पता चला बिल्लो बग्गे बिल्ञा की करेगी तो पेपर में नहीं लिख कर आना है ये वीक पॉइंट लिख कर आने हैं चलो तो सबसे पहले आप क्या करोगे टॉपिक लिख दोगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैंडलीनेस ठीक है ये टॉपिक हमें हमारे क्वेश्चन पेपर से मिल गया हमने कोई ज्यादा मेहनत नहीं करी अब हमने क्या करा बेटा एक कोट लिख दिया ठीक है अभी जो मैंने आपको ऊपर पोस्टर मेकिंग में कोट्स दिए ना आप उनमें से कोई भी कोट लिखकर शुरू कर सकते हो मतलब कंपलसरी नहीं है ये लिखना बट इसके ऑब्वियसली अच्छा लगता है देखने में ठीक है अब नेक्स्ट ये lines exact आप लोग लिख कर आ सकते हो इसे रट लो याद कर लो ठीक है एग्जैक्ट लाइंस आप हर स्पीच में लिखकर आ सकते हो कोई दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है सबसे पहले गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स माय डियर फ्रेंड्स टुडे आई जो भी आपका नाम दिया होगा पेपर में मुकुल लड़के हैं तो मुकुल सबके नाम होंगे लड़कियों हो का सबके नाम महिमा होगा स्टैंडलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लेनलीनेस तो ये ये टॉपिक आपका चेंज हो जाएगा बस क्वेश्चन पेपर में वरना आप ये सेम लाइन से शुरू करके आ सकते हो इतना क्लियर है ठीक है अब आगे क्या करना है तो यहां से बेटा जैसे आप आर्टिकल लिखते हो ना बिल्कुल बिल्कुल वैसे लिखना शुरू करना आपको टॉपिक के बारे में ठीक है अब ये कैसे पता चलेगा जितने एग्जांपल्स रीड करोगे जैसे अभी क्लीनलीनेस का पढ़ लोगे तो लाइंस याद हो जाएंगी सबसे पहले आप दोगे इंट्रोडक्शन के जो टॉपिक है ना वो क्या है व्हाट जैसे मैंने बताया था कि इंटरनेट आखिर है क्या सो so क्लीनलीनेस है क्या आप ये बताओगे सो so आपने बता दिया भाई क्लीनलीनेस इज द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लीन और बीइंग केप्ट क्लीन अब आप धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आ रहे हो कि क्लीन रहना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए साफ रहना क्यों इंपॉर्टेंट है राइट right? हाँ सो इट इज असेंशियल फॉर एवरी वन टू लर्न अबाउट क्लैनलीनेस हाइजीन सैनिटेशन एंड द वेरियस डिसीजे दैट आर कॉज ड्यू टू पुअर हाइजीनिक कंडीशन तो आप जरूर टॉपिक का अपोजिट साइड भी बताओगे कि आप क्लेनलीनेस के बारे में तो बता रहे हो बट अगर आप क्लीन नहीं रहते या आप अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन नहीं रखते तो उसका क्या इंपैक्ट है ठीक है <coughs> बेटा हेडिंग आप बना के भी लिख सकते हो हेडिंग आपको आपके टॉपिक क्वेश्चन में भी मिल जाएगी तो आप वहां से भी लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो अब भाई आपने बता दिया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना घर पर और स्कूल में एक अनक्लीन इन्वायरमेंट क्या होता है भाई उससे मॉस्किटोज आते हैं उससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं है ना पर्सनल हाइजीन ना हो तो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं इम्यूनिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है तो बेसिकली आप हैंड इन हैंड चलोगे यानी कि आप अगर किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस बता रहे हो तो आप उसका नुकसान भी साथ साथ में अपनी स्पीच में बताते हुए चलोगे अब भाई जब आपने ये बता दिया तो जितना आप लिखना चाहो जितना आप लिखना चाहो मतलब अंडर वर्ड लिमिट आप लिख सकते हो अगर आप पे कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है तो वो भी जोड़ दो जैसे स्वच्छ भारत जुड़ रहा है ना इस सिचुएशन से पूरा पूरा तो वो जोड़ दो चाहे आपको कुछ ना पता हो कि वो क्या था थोड़ा उसका नाम ही लिख दो आप ठीक है सो आपने लिख दिया कि भाई जो हैबिट्स बच्चा अपना अपनी आंटी को याद करना वो मोहल्ले की आंटियां जो आपको ताने देती हैं

कि भाई अगर हम खाने से पहले या खाने के बाद हाथ धोए है ना हम अगर बच्चे को हैबिट डालें रोज नहाने की रोज ब्रश करने की तो हम क्या करेंगे वो वही चीजें अपनी कॉन्टिन्यू करेगा अब आप ये भी बता सकते हो कि भाई इस डेट को जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या लॉन्च किया था स्वच्छ भारत लॉन्च किया था राइट अब अगर आपको स्वच्छ भारत के बारे में पता हो तो आप दो चार चीजें लिख दो कि भाई उसके अंतर्गत क्या था टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटीज टू एवरी फैमिली इंक्लूडिंग टॉयलेट्स सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल

क्या करने की अच्छी चीजें करने की आपको अपने टॉपिक से ना भटकने की तो भाई गुड हेल्थ से क्या होगा हेल्दी माइंड होगा जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी राइट right? तो क्लीन एनवायरमेंट क्या है ग्रीन इन्वायरमेंट है विद लेस पीपल फॉलोइंग इल तो ये लिख दिया लास्ट में आप अपना थैंक यू लिख दोगे एज सिंपल एज दैट तो जैसे आप एस राइटिंग करते आए हो आर्टिकल राइटिंग करते आए हो कि एक टॉपिक के बारे में लिखना है एक इंट्रो होना चाहिए एक होनी चाहिए आपकी मेन बॉडी जैसे हम लेटर राइटिंग में करके आए हैं क्लास दसवीं में है ना जिसमें आप सारी सारी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स अपने इंक्लूड कर दो और एक होना चाहिए आपका एंड कॉन्क्लूजन बात खत्म धन्यवाद स्टार्टिंग में मैंने आपको लाइंस बता दी है कि आप लोग यही लाइन एग्जैक्ट हर जगह अपनी चिपका सकते हो ठीक है हाँ बेटा रोहित ऐसे करना है स्टार्टिंग कि गुड मॉर्निंग पहले टॉपिक करोगे उसके बाद कोई कोट है तो लिख दो अच्छी बात है कोट से आप स्टार्टिंग और एंड कर सकते हो अगर आपको करना है फिर आप लिखोगे गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स माय डियर फ्रेंड्स टुडे आई डैश स्टैंड बिफोर यू ऑल टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ या टू हाईलाइट डैश जो भी आपका टॉपिक है गॉट इट एवरी सो आई होप दिस इज क्लियर इट जस्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिस ठीक sort of है डिबेट राइटिंग भी सॉर्ट ऑफ सेम है सॉर्ट ऑफ सेम इन द सेंस कि जो लिखना है या जो भी टॉपिक है वो तो सेम ही है इंग्लिश तो सेम ही है बट हाँ उसका फॉर्मेट क्या होगा ये हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे अब देखो यार सबसे पहला डिबेट में है कि आपको साइड चूज करना है कि आपको फेवर में बोलना है कि अगेंस्ट में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं दोनों लिखाते हैं बट हमें लिख कर क्या आना है एक लिख कर आना है ठीक है समझ में आया यस और नो जल्दी बताओ बेटा रुद्र आपके नहीं आएगा ना बाकी बच्चों के तो आएगा ठीक है so, सो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप चूज करोगे फॉर और अगेंस्ट कि आप किसी टॉपिक की साइड ले रहे हो या आप उस टॉपिक के अगेंस्ट में खड़े रहकर बोलना चाहते हो ठीक अब जब आपने ये कर लिया तो अगेन आपको साइड में की पॉइंट्स बना लेने ताकि आपके पास लिखने के लिए क्या क्या आपके दिमाग को पता हो जब भी हम अपने दिमाग में मेस क्रिएट करते हैं ना तो हम कभी भी एक अच्छा राइटिंग पीस लिख कर नहीं आ पाते चाहे हमारे पास बहुत कम पॉइंट हो चाहे हमारे पास बहुत ज्यादा पॉइंट हो समझ पा रहे हो तो हमेशा जब भी आप की पॉइंट्स बना लोगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई मेरे को ना ये चीजें लिखनी है ठीक है मेरे पास कम पॉइंट है मेरे पास ज्यादा पॉइंट है दिमाग मिस नहीं करेगा आपको पता होगा आप, आपके दिमाग से पॉइंट मिस भी नहीं करेगा तो ये सारी चीजें आपको लिख लेनी है ताकि आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो अब एक अच्छी डिबेट क्या है जिसमें चार पैराग्राफ होने चाहिए ठीक है चार पैराग्राफ आपको लिखने ही लिखने हैं ओके नेक्स्ट इंट्रो जैसे चार पैराग्राफ में सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन ठीक है या सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन जैसे हमने अभी देखा था अभी हम आगे भी देखेंगे अब फिर आएगा आपका प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन एंड द कंक्लूडिंग पार्ट तो ये डिबेट में चार पैराग्राफ्स लिखना मेन है पहला आपका इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें आप सबको सॉल्यूस्टेशन वगैरह दोगे पहला पैराग्राफ एग्जैक्ट सेम होता है अभी मैं लाइंस दे दूंगी आप एग्जैक्ट याद कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट बेटा आप लोग क्या करोगे यहाँ पर सॉल्यूशन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बताओगे और फिर अपना कॉन्क्लूड कर दोगे समझ में आया अब इंट्रोडक्शन में आप लोग ये लाइन यूज कर सकते हो इन लाइन को आप याद कर लो ठीक है कौन सी लाइन है मैम ये देखो जैसे कि बारिश हो रही है है क्या नहीं ठीक आई so, अब यहाँ पर जो भी आपको नाम दे रखा है क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो या फिर आप वाई जेड भी लिख सकते हो फील ऑनर्ड टू हैव बीन गिवन दी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अब अगर आप फॉर यानी कि किसी टॉपिक के साइड में बोल रहे हो तो आप लोग लगा दोगे फॉर अगर आप अगेंस्ट में बोल रहे हो तो आप बोल दोगे अगेंस्ट द टॉपिक का नाम तो ये फर्स्ट पैराग्राफ आप सेम लिख कर आ सकते हो यही लाइन्स आप लिख कर आ सकते हो आप लोग इसे याद कर लो ठीक है क्लियर एवरी वन ये पागल हो जाते हैं क्या ये क्या लवर क्या लवर दिमाग खराब कर देते हैं यार ये कहां से आते हैं ये लोग ना तो खुद पढ़ेंगे ना बच्चों को पढ़ने देंगे और मेरा मूड तो बिल्कुल ही तबाह कर देंगे बताओ यार कोई सेंस है हार्ट लवर हार्ट लवर हार्ट लवर क्या लवर भाई ओके? ये याद कर लेना है अब क्या होगा नेक्स्ट बॉडी अब सबसे पहले आप लोग प्रॉब्लम बताओगे so ये आपका main paragraph है, है? ठीक तो आपको क्या करना है हमेशा आपको टॉपिक का जो मीनिंग है उससे शुरू करना है और फिर आप एक्सप्लेन करोगे टॉपिक को नॉट मोर देन लाइन यानी कि आपका टॉपिक क्या है और उस टॉपिक का मीनिंग क्या है एक लाइन में बताना इससे ज्यादा नहीं बना बताना आपको ठीक है उसके बाद आप सीक्वेंस में अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे सबसे पहले कि टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं अगर आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो तो आप कोच्स वगैरह यू नो थोड़ी सी याद करके जाना जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनिटी स्ट्रेंथ वेर एवर देर इज यूनिटी देर इज ऑलवेज विक्ट्री ऐसे कुछ कोच जो अगेन पोस्टर में आप लोग यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो अब कंक्लूजन पार्ट में ऑब्वियसली आपको क्या करना है आपको क्लियरिटी देनी है कि भाई आप किस किस मतलब जो आपने अगेंस्ट किया है तो आप उस टॉपिक के अगेंस्ट क्यों हो अगर आप फॉर हो आप उस टॉपिक के पक्ष में क्यों बोल रहे हो और ये जरूर याद रखना कि आपको अपने अपोजिशन को और ऑडियंस को थैंक यू बोलना है ठीक है थैंक यू बोलना है थैंकिंग द ऑडियंस फॉर बींग सच पेशेंट लिसनर्स और ये पैराग्राफ बहुत ही छोटा होगा बेटा हमारा ठीक है तो इसे अब हम हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और फिर हम लोग चलेंगे हमारे ग्रामर वाले पार्ट पे गॉट इट चलो तो लिखा है यू आर मुकुल महिमा ऑफ एल्स पब्लिक स्कूल योर स्कूल हैज डिबेट ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट तो इस पे आपको नाम दे दिया आपके स्कूल का नाम दे दिया और आपको टॉपिक बता दिया कि भाई आपके स्कूल में सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट पे एक डिबेट ऑर्गेनाइज की गई है ठीक है बेटा और आपको क्या करना है पार्टिसिपेट करना है अब बोला गया है कि आप अपने व्यूज को प्रिपेयर कर लो कि आप फॉर में बोलना चाहते हो या अगेंस्ट में चलो आप लोग बताओ मुझे अगर मान लो पेपर में ये टॉपिक आया तो आप लोग फॉर बोलोगे या अगेंस्ट बोलोगे जल्दी जल्दी बताओ करेंगे बेटा अभी क्लासेज और टेंसेस पे गैप फिलिंग वाले क्वेश्चंस करके ही छुट्टी करूंगी मैं कितनी देर अब मुश्किल से आधा घंटा और चलेगी बस क्लास ठीक है आधा घंटा और चलेगी क्लास उससे ज्यादा नहीं बताओ जल्दी बताओ मेरे को फॉर लिखते कि अगेंस्ट लिखते अच्छा कुछ बच्चे फेवर में कुछ अगेंस्ट लिखते ठीक है ठीक है ठीक है ओके okay. अभी यहाँ पर सोशल मीडिया एंड इफेक्ट्स पे बेटा हमें लिखना है अब देखो अब आप सबसे पहले क्या करोगे टॉपिक लिख दोगे और बेटा आप ना यहाँ पर मेंशन करोगे कि आप फॉर द मोशन लिख रहे हो या अगेंस्ट द मोशन ये दोनों चीजें आप लोग अपने आंसर शीट पे मेंशन करोगे बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ठीक है हां अगर फॉर लिख रहे हो तो भी ठीक है अगेंस्ट लिख रहे हो तो भी ठीक है मैक्सिमम बच्चे फॉर लिख रहे हैं ठीक है सो so, यहाँ पर आपने क्या करा आपने सबसे पहले अपना टॉपिक दे दिया हेडिंग दे दी सोशल मीडिया एंड इट्स एंड इट्स इफेक्ट ये क्वेश्चन में ठीक है फिर आपने डाल दिया फॉर द मोशन अब आपने क्या करा यहां पर अब आपने अगर फॉर लिख रहे हो तो ऑब्वियसली सारी एडवांटेजेस बताना शुरू करोगे राइट right. तो लिख दिया कि भाई वी ऑल आर नाउ कनेक्टेड बाय द इंटरनेट लाइक न्यूरॉन्स इन ब्रेन ये हमने कोट दे दिया तो कोट से शुरू करते हैं तो एक 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 यू नो पड़ता है हमारी बात में ठीक है और हमेशा आप कोट अपने इनवर्टेड कॉमास में दोगे जो भी आप कोट कर रहे हो ना वो आप इन्वर्टेड कॉमास में करोगे कि हम लोग इंटरनेट से इस प्रकार कनेक्टेड है जैसे हमारे जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स ठीक है मैं गिरने वाली थी यहाँ पर ऐसे ठीक है हाँ सो so, अभी यहां से आप पूरा सेम लिख सकते हो ऑनरेबल जजेस टीचर्स माय वर्दी अच्छा ये लिखना जरूरी है ठीक है क्योंकि भले ही आपके दुश्मन है पर आप उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते हुँ. दुश्मन मतलब आपके अगेंस्ट में जो टीम है उसकी बेइज्जती नहीं करनी हमें तो ये लाइंस आप एग्जैक्ट अपने पेपर में लिखकर आ सकते हो जैसे स्पीच में कुछ लाइन्स थी वैसे ये भी ठीक है सो ऑनरेबल जजेस टीचर्स माय वर्दी थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दिस डिबेट ऑन द टॉपिक यहां तक सेम लिखोगे जो भी आपके क्वेश्चन पेपर का टॉपिक है लिख दोगे सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स फिर आई एम मुकुल महिमा जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में नाम दिया है एंड आई वुड लाइक टू स्पीक इन फेवर ऑफ द मोशन या फिर अगर आप अगेंस्ट हो तो आई वुड लाइक टू स्पीक अगेंस्ट द मोशन तो ये लाइन्स आपकी सेम रहेंगी सेम डिटो ठीक है इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना नथिंग हाँ फिर आ जाएगी बेटा आपकी मेन बॉडी अब अगर आप फेवर में हो तो आप उसके लिए सारे पॉइंट्स लिख दोगे कि भाई आपने यू you ना know, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जनता से अगर आप क्वेश्चन आपको ऐसे ही इमेजिन करना है कि आप बोल रहे हो आपको ऐसे इमेजिन नहीं करना है कि आप लिख रहे हो अब अगर मैं आपसे जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ है ना तो आप ऑडियंस हो और मैं कौन हूं मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूं हु. अगर मैं आपको इंडल्ज नहीं करूंगी तो आपको ऑब्वियसली मेरे साथ पढ़ने में मजा नहीं आएगा राइट right? बेटा मैं बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन गैप फिलिंग पे मैं अभी कराऊंगी अब इसी के बीच में कैसे कराऊं थोड़ा सा पेशेंस रखो आप क्लास में आते जाते रहोगे तो नहीं चलेगा ना बेटा टिकना पड़ता है क्लास में कोई चीज सीखने के लिए ओके हाँ सो यहाँ पर अपने को क्या करना है भुलवा दिया मेरे को मैं क्या बोल रही हूं भूल गई मैं हम्म क्वेश्चन पे थी मैं ठीक है तो अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगी तो लोग इंडल्स रहेंगे वैसे ही आप लोग अपनी डिबेट में क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई हाउ मेनी पीपल डू नॉट हैव स्माइल ऑन ऑन देयर फेस फाइंडिंग एन ओल्ड फ्रेंड है तो सोशल मीडिया का हमने यहीं से शुरू कर दिया अगर हम उसके साथ हैं कि भाई कितने लोगों को फेस पे स्माइल नहीं आती जब वो अपने फ्रेंड को ढूंढ लेते हैं अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो कैसे ढूंढ पाते बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया और इंटरनेट के टॉपिक को कंफ्यूज कर लेते हैं बेटा इंटरनेट ठीक है इंटरनेट इज अ डिफरेंट टॉपिक सोशल मीडिया इज डिफरेंट टॉपिक सोशल मीडिया इंटरनेट की वजह से एक्सेस कर पा रहे बट वो टॉपिक अलग है ठीक है हाँ सो अभी हमने क्या करा बोल दिया कि भाई सोशल मीडिया ने सारे बैरियर्स हटा दिए बाउंड्रीज हटा दिए कम्युनिकेशन के जितने भी आपके जितने भी बेटा आपके प्रो पॉइंट्स है ना जितने भी आप लोग फेवर में पॉइंट्स है वो सारे आप अपने बॉडी के अंदर लिख दोगे ठीक है अब उसके बाद क्या करना है ऑब्वियसली पैराग्राफ शिफ्ट करोगे जब भी आपको लगे कि हाँ भाई मेरे चार पांच लाइंस हो गई है आप हमने पैराग्राफ शिफ्ट कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ठीक है सो फ्रॉम इमरजेंसी अलर्ट अनाउंसमेंट डिक्लेन्स टू नोइंग हाउ आर बिकम सो कन्वीनियंट जितने भी प्लस पॉइंट है हमें सब लिख देना जो भी पेपर में याद आए ठीक है सारे पॉइंट्स जब हम लोगों ने लिख दिए तो अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे एटलीस्ट कोई कोट है हमारे दिमाग में तो वो डाल देंगे अगर कोई कोट नहीं है तो कोई भी जो सबसे स्ट्रांग लाइन है वो लिख देंगे कि भाई विथ सो मच एडवांसमेंट एंड इनोवेशन इट वुड बी एन अन इमेजिनेबल वर्ल्ड विदाउट हैविंग अ सोशल मीडिया राइट अगर सोशल मीडिया नहीं होगा तो मतलब ये हम इमेजिन ही नहीं कर सकते अब कि सोशल मीडिया ना हो राइट सो अब हमने एंड भी हमारे कोर्ट से कर दिया ठीक है कि सोशल मीडिया इज एडिक्टिव प्रिसाइजली बिकॉज इट गिव्स अस समथिंग दैट द रियल वर्ल्ड लैक्स इट गिव्स अस इमीडिएसी डायरेक्शन एंड अ वैल्यू एज एन इंडिविजुअल के रियल वर्ल्ड में भले ही हम लोग किसी को वैल्यू करें ना करें बट आजकल सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि वो किसी के भी टैलेंट को वैल्यू करता है राइट right. और लास्ट में हम थैंक यू लिख देंगे एज सिंपल दैट तो लिखना हमें बेटा वैसे ही है जैसे हम स्पीच लिख रहे हैं बट बस फॉर्मेट में हल्का डिफरेंस है जो मैंने आपको फर्स्ट लाइंस वहां याद करने बोली यहां लाइन याद करने बोली उन्हें याद करना है और हमारे पास ना जैसे खाना होना चाहिए पेपर पे डालने के लिए जैसे अगर आपके पास एक कबूतर है उसे खिलाने के लिए दाना इकट्ठा करोगे ना वैसे ही पेपर पे लिखने के लिए मटेरियल होना चाहिए जो कि आएगा आप जितना पढ़ोगे राइट right, जो इंसान जितना ज्यादा रीड करता है उसमें रीडिंग हैबिट होती है वो उतना ज्यादा बेहतर बोल भी पाता है लिख भी पाता है अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे ही नहीं तो आपको लिखना अपने दिमाग से नहीं आएगा है ना आप हमेशा लैक ऑफ आइडियाज लैक ऑफ था में रहोगे तो जितने आप एग्जाम्पल पढ़ोगे मैं हमेशा बोलती हूँ हमेशा आपने मेरे मुंह से सुना होगा जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल पढ़ोगे राइटिंग सेक्शन में उतना बेटर आप लिख कर आ पाओगे ठीक है अब अगर आप अगेंस्ट द मोशन हो आपको सेम लिखना है ये मैंने उन बच्चों के लिए डाल दिया जो अगेंस्ट लिखने वाले थे तो वो एक बार इसको रीड कर लेंगे मैं आपको बेटा जी पीपीटी भेज दूंगी तो सेम फॉर्मेट रहेगा बस हमारी लाइन्स बदल गई है आप ये एंड में एक लाइन लिख सकते हो थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन एंड पेशेंट हेयरिंग ये एक लाइन आप याद कर लो जो आप अपनी डिबेट के एंड में डेफिनेटली लिख कर आ सकते हो ठीक है बेटा जी एम आई क्लियर जल्दी जल्दी बता दो यार फिर हम गैप फिलिंग पे चल रहे हैं क्या ये क्लियर है आपको हाँ जी यार इतनी देर से मैं बोल रही हूँ एनर्जी तुम्हारी लो हो गई है एक बारी मुझे ये तो बता सकते हो ना कि मैम हां जी क्लियर है कि नहीं तुम तो फिर भी घर पे बैठ के पढ़ रहे हो मैं तो फिर भी खड़े होके बोल रही हूं बेटा इतनी देर से हाँ All right. है. So, अभी हमने six chapters करे, मतलब जितने आपके हाँ में थे पोएट्री मैंने आपको परसों रीजनिंग मैंने नहीं कराया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने आपको वीडियो दी है राइट तो योर लिटरेचर पार्ट इज कंप्लीटेड कमिंग टू योर राइटिंग सेक्शन द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है ठीक है नोट मेकिंग मैंने आपको करा दिया है आईव टोल्ड यू ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स इसमें भी जो आपको याद रखनी है कमिंग टू योर ग्रामर वाला पार्ट ग्रामर आपका बहुत कम नंबर का है बहुत कम नंबर का बट ऑब्वियसली हमें करना है तो अगर आपने ये क्लास अटेंड करी थी तो मैंने आपको टेंसेज और रीऑर्डरिंग के क्वेश्चन कराए थे कितने बच्चों ने ये क्लास अटेंड करी है मैम इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा टेलीग्राम पर मिलेगी लिंक डिस्क्रिप्शन में है वन शॉट सीरीज का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है राइट right? सो so, और रीऑर्डरिंग मैंने आपको कराए हैं मैं आपको गैप फिलिंग कराने वाली हूं। जो और क्लॉसेस पे आपके गैप फिलिंग के क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो वो हम लोग दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके फिर हम क्लास को एंड करेंगे एंड आप ही लोग मुझे उसका जवाब दोगे वो जवाब मैं नहीं दूंगी ठीक है चलिए शुरू करें एक बार यस मैम लिख दो इन द कमेंट सेक्शन फिर शुरू करते हैं फटाफट फड़। करें फटाफट फड़ से शुरू ऑल राइट ठीक है जिन्होंने नहीं देखा भाई वो देख लेना इसमें बहुत सारे मैंने रीऑर्डरिंग के क्वेश्चन बच्चों को प्रैक्टिस कराए थे ग्रामर तुम्हारी सात नंबर की आएगी सात। अगर आप सीबीएसई से हो तो चलो तो यहां पर हम लोग इसको करने वाले हैं अभी शुरू हो जाओ as soon as i saw the elephant saw लगा है पता चल गया हमें पास्ट टेंस में है ये राइट right, तो बहुत ही सोच समझ के बहुत ही आंखें खोल के करना मुश्किल से आपकी अब दस मिनट की क्लास बची है इससे ज्यादा की क्लास नहीं है ठीक है हाँ दस मिनट की क्लास बची है सो so, आराम से ये वाले ऑप्शंस जैसे आप देख सकते हो अगर ए फिल ब्लैंक्स है तो आपके पास चार ऑप्शन है ठीक है सो आपको मुझे करेक्ट ऑप्शन बताना है एज सुन एज आई सॉ दिलीफेंट आई न्यू सर्टेनली दैट आई ऑट नॉट That I ought not dash him. बताओ भाई जैसे ही मैंने एलिफेंट को देखा मुझे पता था सटेनली मतलब कि मैं श्योर था और ऑट मतलब क्या होता है ऑट टू हम लगाते हैं ना मॉडल्स पड़े थे ना कि हमें कोई चीज करनी ही चाहिए या नहीं ही करनी चाहिए सो so, क्या आएगा यहाँ पे शूट इज शूटिंग शॉर्ट या शूट चार ऑप्शन है थोड़ा सा ट्राई करो बताओ मेरे को क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन एज सुन एज आई सो दिलिफेंट जैसे ही मैंने एलिफेंट को देखा था आई न्यू सर्टेनली मुझे पता था कि मुझे उसे सिंपल शूट नहीं करना ये तो simple है कि मुझे उसे शूट नहीं करना बेटा एग्जाम पॉइंट आंसर करो ना गैप फिलिंग गैप फिलिंग लिखने से क्या होगा गैप फिल तो करो आंसर करो बच्चे ये द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर फोर ठीक है यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा जी नंबर फोर ठीक है कि भाई आई नॉट शूट हिम अब आगे चलो बट एट द मोमेंट आई डैश राउंड एट द क्राउड दैट हैड फॉलोड मी यहां पर क्या आएगा करेक्ट आंसर सब पास्ट टेंस में है और सिंपल पास्ट में है राइट बट एट द मोमेंट आई ग्लैंसिस आई ग्लैंस आई इज ग्लैंसिंग आई विल बी ग्लैंसिंग देखो विल बी इज योर फ्यूचर इज ग्लैंसिंग इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड ग्लान्स इज योर सिंपल प्रेजेंट केवल एक ही है हमारे पास पास टेंस में राइट right? हां केवल एक ही है दैट इज योर ग्लांस्ड राइट सो द करेक्ट ऑप्शन इज यहां पे ऑप्शन नंबर सेकेंड बट एट द मोमेंट आई ग्लांस्ड राउंड एट द्राउड मैंने उस भीड़ को देखा जो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे and were eager dash fun and meet. यहां पर क्या आएगा नंबर सी पे जल्दी से बताओ एंड वर ईगर फॉलो फॉलो फॉलोइंग या है अब इसमें से अगर कोई पास्ट की बिरादरी से है तो वो कौन है बताइए यहां तो सिंपल फॉलो है यहाँ फॉलोज है दोनों ही प्रेजेंट टेंस फॉलोइंग अगेन प्रेजेंट के अंतर्गत या पास्ट के अंतर्गत आई एनजी फॉर्म में है कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एक ही है हमारे पास्ट में वो कौन है बेटा जी हैड फॉलोड है ना राइट right? हैड हम लोग पास्ट में लगाते हैं पास्ट में ही लगता है ना पूरा हमारा पैसेज ही पास्ट में है अगर किसी को टेंसेस नहीं आता भाई मैंने वन शॉट वीडियो डाला हुआ है ग्रामर के ऐसे टॉपिक्स है बेटा जो कॉन्सेप्ट से पढ़े जाते हैं जो एम ही नहीं पढ़ा दिए जाते राइट तो इसीलिए वन टॉपिक डाला हुआ है मैंने वन लेक्चर टेंसेस का आधे घंटे में टेंसेस खत्म हो जाएगा आधे घंटे में प्लीज देख लो हाँ सही बोल रहे हो गैप फिलिंग कोई और कराया जाता है बट खुद से गलतियां होती हैं ट्रू यस सो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर फोर हैड फॉलोड ठीक है फन एंड मीट द क्राउड डैश द रोड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन ईदर अब यहाँ पर क्या होगा द क्राउड हैज ब्लॉक हैड ब्लॉक् विल बी ब्लॉक्ड अगेन वेरी सिंपल केवल एक ही है केवल एक ही है जो हमारे इसमें आ रहा है पास्ट की बिरादरी में आ रहा है है ना अगर आप ऊपर से ही पकड़ लो कि भाई पूरा हमारा पास टेंस में चल रहा है तो ऑप्शन हमारे कौन से पास टेंस में हम इजीली फिगर आउट कर सकते हैं जल्दी बताओ As soon as I saw the elephant, I knew certainly that I ought not shoot him. But at the moment, I glanced round at the crowd that had followed me and were eagerly ड फॉलोड या फिर ईगर फॉलोड यार इसमें ना कुछ गड़बड़ तो है ही बट ऑप्शन में कोई गड़बड़ नहीं है मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ है मैंने ये लास्ट ईयर के uh, जो नॉर्मल पेपर्स है जो किसी स्कूल में अपलोडेड थे उससे उठाया है ये एब्सोल्यूटली करेक्ट हैड ब्लॉग इज द करेक्ट आंसर ठीक है सो दिस वॉज क्वाइट इजी इसको बस आपको पकड़ना है कि कौन से टेंस में है और ये कहां पर सही बैठेगा ठीक है अब हम लोग एक और ट्राई करते हैं एंड यस yes, इसके बाद अपन एंड करेंगे क्लास को चलो शुरू हो जाओ शुरू हो द मॉल ये एज आई डैश अलोंग द मॉल अ टैक्सी डैश नियर मी तो नरेट हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये हमें कॉन्टिन्यूस की बात बता रहा है कि कल जब मैं आ रहा था स्टोरी राइट sort of सो यस्टरडे एज आई वॉक्स इज वॉकिंग या वॉज वॉकिंग अब देखो यस्टरडे मतलब वो कल जो बीत गया वॉक्स इज योर प्रेजेंट इज वॉकिंग योर इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस केवल एक ही है जो यहां पे पास्ट को इंडिकेट कर रहा है जो हमारे यस्टरडे के साथ बेटा जी जा सकता है यार जितने भी बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया एटलीस्ट क्लास को लाइक कर देना प्लीज ठीक है सेकेंड एक सेकेंड देना जस्ट रिप्लाइंग टू अड मतलब कॉमेंट में कुछ बच्चे ना सीधा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने आते हैं वन शॉट नहीं देखते फिर उन्हें वो डिफिकल्ट लगता है चलो ऑल राइट यस सो यस्टरडे As I was walking, right number three. As I was walking along the mall, a taxi dashed near me. A taxi stopped. A taxi stops to stop. Yeah, will stop. What do you think is the correct answer? Yes, very good, Ritika Sharma. A taxi. B ka bhi option de diya. Chalo, yeh acha hai. ma'am was busy, to hum b ka bhi option de de. hai. So taxi, taxi stopped near me. ठीक है इतना हो गया हमारे से ऑल राइट मी आदमी मुझे मेरे पहले नाम से बुला रहा था do यू थिंक इज द करेक्ट आंसर देखो बहुत बच्चे has addressed करेंगे बट बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना हैज लगा और प्रेजेंट में नहीं है पूरा का पूरा पास्ट में है मोस्टली पास्ट में ही आता है हाँ यस मोस्टली नॉट एवरी टाइम यस सो ऑप्शन नंबर टू ठीक है कि अ मैन एड्रेस्ड मी बाय माय फर्स्ट नेम आई डैश एज आई फेल टू रिकॉग्नाइज द मैन सो आई इज सरप्राइज्ड आई वाज सरप्राइज्ड आई सरप्राइजिंग या आई टू सरप्राइज जल्दी जल्दी बताओ बेटा बिता, क्या होगा करेक्ट आंसर वट डू यू गाइस थिंक इज गना बी द करेक्ट आंसर ऑल राइट येस सो आई वॉज सरप्राइज राइट

है ना यहाँ पे हमें पता है कि आई एन फॉर्म है तो जरूर वॉज आएगा राइट सो हु वॉज स्माइलिंग एंड रिपीटिंग माई नेम नंबर थ्री ठीक है बेटा हाँ वेरी नाइस nice. तो मैं एक बारी दोबारा से सबको आ, सचेत कर दूं बता दूं यार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे ठीक है यहाँ से आप लोग इसको स्पीड बढ़ा लेना ये देखो प्लेबैक स्पीड इसकी तुम्हें जितनी मेरी आवाज़ समझ आती हो 1.75 या 2 पे करके अगर सुनोगे ना तुम लोग तो तुम्हें और ज़्यादा मतलब कम की वीडियो ये पड़ेगी तो एक घंटे में तुम्हारे सारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे इसमें मैंने सबके क्वेश्चन आंसर्स तुम्हें पढ़ाए हैं तुम्हारी पोइट्री भी तुम्हारा दूसरा वाला भी जो समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स वाली वो है बुक है स्नैपशॉट और हॉर्नबिल ठीक है और अगर तुम्हें इसी के साथ साथ मतलब कुछ भी चीज़ या तुम्हें किसी भी उसकी जरूरत पड़ती है सारी चीजें जैसे ये लाइव चल रहा है ना तो तुम इसके लाइव सेक्शन में जाओगे उलझा जा यार ठीक है लाइव में जाओगे ना तो यहाँ पर देख लो तुम्हें मिल जाएगा क्लास इलेवंथ फुल प्ले लिस्ट तुम जैसे ही फुल प्ले लिस्ट पर बेटा जी क्लिक करोगे तुम्हारे आगे ये प्ले लिस्ट खुल जाएगी इसमें सारी वीडियोज़ हैं ठीक है ठीके? ये देखो सबसे ऊपर मैंने अभी तुम्हारी पोम्स की क्लास ली थी वन डे अगो केवल एक दिन पहले मैंने पोम्स की क्लास ली है तो यहाँ पे ये भी वीडियो है मैराथन चली रही है टेंसेज और रीऑर्डरिंग वाली है नोट मेकिंग वगैरह तो मैंने तुम्हें इस इस सेशन में भी कराया ही है राइट right, ये री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तुम्हारे सारे एमसीक्यू हैं जो बच्चे एमसीक्यू बोल रहे थे ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है ये अलग अलग चैप्टर के तुम्हारे वन शॉट है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी तुम्हारा और पोस्टर मेकिंग फिगर ऑफ स्पीच मदर डे डिस्कवरिंग ट्यूट बर्थ तो अलग अलग भी हैं और बाकी सारी चीजें भी अवेलेबल है मेरी साइड से किसी चीज की कमी नहीं है ठीक है और तुमने मैराथन बोला था तो मैंने मैराथन भी ले लिया एंड आई होप तुम्हें मैराथन ने हेल्प किया होगा ठीक है मैं ये होप कर रही हूँ पीपीटी कम मिलेगा पीपीटी अभी मिल जाएगा अभी ही भेज देती हूँ मैं तुरंत ही भेज देती हूँ कि कुछ बच्चों का पेपर है ठीक है तो एक बार ही फटाफट -फड़ से बता दो गाइस के कैसी लगी तुम्हें आज की क्लास थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी कि नहीं फिर हम क्लास को एंड करते हैं तो फाइनली आफ्टर थ्री लॉन्ग आवर्स हम लोग क्लास को एंड करेंगे जल्दी जल्दी से बता दो टेल ऑफ मेलन सिटी तो चैप्टर उसमें डरने वाली क्या बात है डरो मत यार हर बात से डरते थोड़ी है ठीक है सो आई होप के जो मेरा एक एफर्ट था बच्चों को रिवीजन कराने का या चीजें समझाने का उसमें मैं कामयाब रही होंगी मुझे पता है कि आपका एक टॉपिक बचा है इंग्लिश ग्रामर का जो मैंने कवर नहीं किया दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस राइट right. तो आप वो चिंता मत करो हमारी रोजाना क्लास आठ बजे होती है चैनल पे तो आपको वो टॉपिक कल या परसों तक मिल जाएगा ठीक है चलिए गाइज सो दैट सेट आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू गाइज वुड ड्रॉप अ कॉमेंट क्लास के बाद ठीक है मुझे काफी अच्छा लगेगा एंड अगर आप क्लास टेंथ में भी मुझसे पढ़े हैं तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप क्लास टेंथ की मैरेथन वाली क्लास पे जाके जो आज ही ली है मैंने उस पर कॉमेंट ड्रॉप कर पाओ बिकॉज वट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट ऑल दी स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़े थे एंड उनके रिव्यूज सो दैट वो आगे बच्चों को हेल्प फुल uh, रहे सो so ये मैं ट्राई uh, कर रही हूँ क्योंकि बच्चे कॉमेंट तो करते हैं बट अलग अलग वीडियोज पे करते हैं सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग वो एक ही जगह रहे एंड थैंक यू सो मच अटेंड uh, करने के लिए मैं आप सभी से रोजाना मिलती हूँ शाम को आठ बजे हमारी क्लास होती है रोज़ अगेन इलेवेंथ की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पे है व्हाट्सअप मैं अभी डाल दूंगी मेरे को दस पंद्रह मिनट दो एम रियली टायर्ड जस्ट uh, पानी वानी पीकर मैं डाल दूंगी आपका व्हाट्सएप भी डिस्क्रिप्शन में और पी भी भेज दूंगी ठीक है तो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी इंस्टाग्राम भी मेरा डिस्क्रिप्शन में है मुझे फॉलो कर लेना ओके चलो तो क्लास के बाद प्लीज ड्रॉप अ कॉमेंट कि आपको आज की क्लास कैसी लगी एंड आप मुझे कब से जानते हो एंड मैं आपको कैसी लगी ठीक है चलो ऑल राइट थैंक यू सो मच जिनका कल पेपर है ऑल द वेरी बेस्ट मचा के आना और कल करा दूंगी दिक्कत लो जो बच्चे बोल रहे हैं परसों पेपर है टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगा बेटा यहीं मिलेगा टेलीग्राम लिंक ये रहा पहले नंबर पे है ना ये रहा फॉर फ्री नोट्स एंड स्लाइड्स ज्वाइन आर टेलीग्राम फिर नीचे ज्वाइन आर इंस्टाग्राम राइट तो दोनों ही चीजें आपको मिल जाएंगी ये इंस्टाग्राम है अच्छा ये लिंक चल नहीं रही मैं अभी दूसरी डाल देती हूँ और ये टेलीग्राम है आई गेस ये लोड होने में कोई दिक्कत ले रहा होगा तो ये टेलीग्राम है ठीक है ऊपर ही लिंक है हो जाएगा ऑल राइट चलो थैंक यू सो मच एवरी वन आई विल सी यू गाइज लेटर बाय टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय